सर्वोपचारणार्थे जलगंधाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि ओम आरार्दिग्यम ओम चंद्रमा वनशो जातश्चक्षो सूर्यो जायता श्रोत्रादुपायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायता वलवृंदावन विहारी लाल की जय। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही जग के मंगल की आरती। पुराण पुरुषोत्तमाय नमः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि वलवृंदावन विहारी लाल की जय। बोलिए वृंदावन विहारी लाल की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। गौरी गोपाल भगवान की जय। भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे। समुपस्थित सभी श्रद्धालु जनों से निवेदन है आप अपना अपना स्थान ग्रहण करें। आप सभी उपस्थित सभी श्रद्धालु जनों को जय श्री कृष्णा। संस्कार चैनल के माध्यम से घर बैठकर श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कर रहे आप सभी श्रद्धालु जनों को जय श्री कृष्णा। व्यासासीन परम पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में कोटि सह नमन वंदन। आप सभी को विदित है कि पूज्य श्री महाराज जी के द्वारा श्रीधाम वृंदावन में विभिन्न प्रकार के सेवा प्रकल्प चलाए जा रहे हैं और पूज्य श्री महाराज जी अपने निजी जीवन से ये समय निकालकर इन माताओं को वो समय देते हैं जो कि इनकी संतान भी वो समय इनको नहीं दे पाती है, वो सेवा इनकी संतान भी इनकी नहीं कर पा रही है। ऐसी सेवा पूज्य श्री महाराज जी इन वृद्ध माताओं की असहाय दीनहीन जरूरतमंद वृद्ध माताओं की सेवा पूज्य श्री महाराज जी अपने हाथों से कर रहे हैं। और पूज्य श्री महाराज जी के लिए कहूंगा कि ये हुनर ये सादगी ये अपने
पन की मूरत नहीं देखी, ये हुनर ये सादगी ये अपने पन की मूरत नहीं देखी। लोग तो बहुत मिले हैं, लोग तो बहुत मिले हैं इस जमाने में, मगर आप जैसी मूरत नहीं देखी। ऐसे सेवा भावी पूज्य श्री महाराज जी के लिए एक बार जोरदार तालियां, जो कि इतनी सुंदर सेवाएं पूज्य श्री महाराज जी इस श्रीधाम वृंदावन में कर रहे हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि पूज्य श्री महाराज जी के सेवा प्रकल्प से आप अवश्य जुड़े। जो वृद्ध माताओं की सेवा पूज्य श्री महाराज जी अपने हाथों से कर रहे हैं, इनसे महाराज जी का खून का कोई नाता नहीं है, कोई रिश्तेदारी नहीं है, कोई जान पहचान नहीं है, लेकिन माँ का शब्द ही इतना ऊंचा होता है कि जब वह माँ हमारे सामने कोई दीनहीन जरूरतमंद वृद्ध माँ पूज्य श्री महाराज जी के सामने खड़ी होती है, तो पूज्य श्री महाराज जी उन माताओं की सेवा के लिए तत्पर हो जाते हैं। और आप सभी के सहयोग की अपेक्षा रखते हैं कि आप सभी अपना सहयोग इन वृद्ध माताओं के लिए आप इसी प्रकार समर्पित करते रहें, ताकि ये सेवाएं निरंतर यूं ही श्रीधाम वृंदावन में चलती रहें और ये वृद्ध माताएं यूं ही खिलखिलाती रहें, हंसती रहें और भगवान का भजन करती रहें। पूज्य श्री महाराज जी इन वृद्ध माताओं के साथ साथ श्रीधाम वृंदावन में एक विशाल सुंदर सा अन्य क्षेत्र भी चला रहे हैं। आप भी इस अन्य क्षेत्र से जुड़ सकते हैं और हजारों वृद्ध जनों को, हजारों साधु संतों को, हजारों जरूरतमंदों को आप भी गौरी गोपाल अन्य क्षेत्र के माध्यम से भोजन प्रसाद पवा सकते हैं। तो पूज्य श्री महाराज जी, जैसे कि आप चैनल के माध्यम से जो भक्त यहाँ उपस्थित थे, सेवाओं का दर्शन कर रहे थे, आप स्वयं देख रहे थे कि किस प्रकार ये सेवाएं यहाँ चल रही हैं, किस प्रकार हजारों साधु संत उस अन्य क्षेत्र में आते हैं और उस अन्य क्षेत्र से ससमान भरपेट भोजन प्रसाद लेकर के यहाँ से प्रस्थान करते हैं और निश्चिंत होकर अपना भजन करते हैं। तो हम भी पूज्य श्री महाराज जी के सेवा प्रकल्प में जुड़े और गौरी गोपाल अन्य क्षेत्र के माध्यम से हम भी हजारों लोगों को भोजन प्रसाद अवश्य पवाएं। मात्र 11,000 रुपए के सहयोग से आप भी हजारों लोगों को एक समय में ही भोजन प्रसाद पवा सकते हैं। पूज्य श्री महाराज जी अन्य क्षेत्र के साथ साथ सुंदर सा यहाँ पर गौरी गोपाल रसोई सेवा भी कर रहे हैं, जहाँ हजारों तीर्थयात्री, हजारों विद्यार्थी, हजारों जरूरतमंद, हजारों लोग आकर निःशुल्क ससम्मान यहाँ पर भोजन प्रसाद प्राप्त करते हैं। ऐसी सुंदर सी बैठकर भोजन करने की व्यवस्था गौरी गोपाल रसोई में यहाँ पर है, जहाँ हजारों तीर्थयात्री आकर निःशुल्क ससम्मान भोजन प्रसाद प्राप्त करते हैं। तो आप भी एक समय में, एक दिन में ही हजारों तीर्थयात्रियों की सेवा गौरी गोपाल रसोई के माध्यम से जुड़कर कर सकते हैं। तो आप अपने जन्मदिवस पर, किसी भी वार्षिक उत्सव पर आप भी 31,000 रुपए के सहयोग से गौरी गोपाल रसोई सेवा के माध्यम से हजारों लोगों को भोजन प्रसाद पवा सकते हैं। पूज्य श्री महाराज जी के द्वारा गौरी गोपाल रसोई सेवा अन्य क्षेत्र के साथ साथ सुंदर सी गौरी गोपाल गौशाला यहाँ पर चलाई जा रही है, जहाँ पर सुंदर सी गौ माताओं का आप दर्शन कर सकते हैं, उन गौ माताओं की सेवा से आप जुड़ सकते हैं और गौ भक्तों में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। पूज्य श्री महाराज जी के गौशाला में आप भी चुनी चोकर भूसे इत्यादि की व्यवस्था आप करा सकते हैं और गौ भक्तों में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं, या गौ चारण के लिए 51,000 रुपए एक वर्ग गज भूमि दान के हिसाब से आपको ईश्वर ने जिस प्रकार सामर्थ्यवान बनाया है, आप भी गौ चारण भूमि के लिए अपना सहयोग समर्पित कर सकते हैं। पूज्य श्री महाराज जी के द्वारा सुंदर सा गौरी गोपाल संतरिवास गौरी गोपाल गुरुकुल यहाँ पर चलाया जा रहा है। आप ऐसी सुंदर सुंदर सेवाओं से जुड़ सकते हैं और अपने कमाए हुए धन को सार्थक कर सकते हैं। इन सेवाओं में लगाकर ईश्वर ने आपको सामर्थ्यवान बनाया है, तो उन वृद्ध माताओं के रहने के लिए कमरे का निर्माण करा सकते हैं मात्र 5,00,000 रुपए के सहयोग से, या ईश्वर ने आपको सामर्थ्यवान बनाया है तो एक छत निर्माण के लिए आप 51,000 रुपए का भी सहयोग समर्पित कर सकते हैं। आपके दिए हुए सहयोग से ये सेवाएं चल रही हैं। संस्था के अकाउंट नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। आप अपना सहयोग उन अकाउंट में समर्पित करते हुए मोबाइल नंबरों में संपर्क कर आप अपना नाम दर्ज अवश्य कराएं। पूज्य श्री महाराज जी जो ये सेवा प्रकल्प चला रहे हैं, आप जो सहयोग समर्पित कर रहे हैं, यह आयकर मुक्त भी है, आप उसका भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। पूज्य श्री महाराज जी का यूट्यूब पर एक चैनल है श्री अनिरुद्धाचार्य जी, आप उस परिवार से भी जुड़ सकते हैं, उस चैनल को सब्सक्राइब कर आप भी उस परिवार के सदस्य बन सकते हैं। तो अब आइए इसी क्रम के साथ चलते हैं पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में पावन की कथा की ओर। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। हरे ओम श्री गणेशाय नमः श्री
सरस्वत्यै नमः श्रीमते रामानुजाय नमः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये लक्ष्मीनाथ समारंभां नाचयामुनि मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परम जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभो जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर राधा मेरी मात हैं पिता मेरे घनश्याम इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम मेरा कोटि कोटि प्रणाम मेरा कोटि कोटि प्रणाम आए हो तो प्रेम से लोहरी का नाम सब भक्तों को निरुद्ध की जय जय राधे श्याम जय जय राधे श्याम जय जय राधे श्याम जय जय सीता राधे राधे जब चले आएंगे बिहारी आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी राधे 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 जपो चले आएंगे बिहारी We'll be right back.
चले आएंगे बिहारी अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक हाँ
परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। दूर दूर से आई हमारी माताएं बहनें श्रोतागण भक्तगण, संस्कार टीवी और यूट्यूब पर कथा का रसपान कर रहे सभी भक्तों को जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी भक्तों का आज की अमृतमयी मंगलमयी कथा में। प्रिय भक्तों, भगवान की कृपा से हम माघ का पावन महीना प्रेम पूर्वक इस माघ के महीने में कथा का रसपान कर रहे हैं। परीक्षित बनकर हमारी स्वर्गीय श्री शांताबेन स्वर्गीय जयंती लाल जी की पुण्य स्मृति में श्रीमती मनोरमा और महेंद्र सोमपुरा मीरेन एवं मोहित जी यूएसए से कथा श्रवण करने के लिए आप यहां आए हैं और प्रेम पूर्वक वृंदावन की धरा में कथा का रसपान कर रहे हैं हमारे भैया श्री महेंद्र सोमपुरा जी और आप यूएसए से हैं और प्रेम पूर्वक कथा का रसपान कर रहे हैं। सात समुद्र पार करके आप वृंदावन की पावन धरा पर आए हैं और कथा का रसपान कर रहे हैं। अपने पूर्वजों की पुण्य स्मृति में सुंदर सा आयोजन कथा का रसपान आप कर रहे हैं और अपने पितरों के लिए, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए और अपने परिवार के कल्याण के लिए ये सुंदर सा आयोजन आपके द्वारा गीता बहन प्रवीण भाई सोमपुरा, तरुलता सनत कुमार जी, प्रभा बहन विनोद भाई सोमपुरा, अनिल भाई यशोदा बहन, समस्त परिवार यूएसए से, अमेरिका से आप हैं, अमेरिका से यहां आप कथा श्रवण करने के लिए हैं और प्रेम पूर्वक कथा का रसपान आप कर रही हैं हमारी मैया श्रीमती मनोरमा मैया। आप कथा वहां भी सुनते थे? वहां देखिए अमेरिका में हैं आप, लेकिन वहां से भी कथा सुनते और कथा का प्रभाव देखिए कि अमेरिका से कथा ने इन्हें वृंदावन बुला लिया। ये भगवान की कितनी बड़ी, देखो कथा की ताकत देखिए। मैग्नेट इतनी शक्तिशाली नहीं है जितनी शक्तिशाली कथा है ना। मैग्नेट इतनी लंबा कहां प्रभावशाली होती है, चुंबक इतना प्रभाव, दूर से 1 फीट दूर लखा हो लोहा और मैग्नेट यहां तो वो नहीं, पास में है तो वो चिपक जाएगी, दूर होते ही उसका प्रभाव खत्म। लेकिन कथा का प्रभाव तो चाहे आदमी लंदन हो अमेरिका, अरे लंदन अमेरिका तो छोड़िए, जब कथा मृत्यु लोक में होती है तो स्वर्ग के देवता भी आना चाहते हैं कि हम भी इस कथा में आ जाएं। परीक्षित जी जब कथा सुन रहे थे तो इंद्र अमृत का कलश लेकर आए ही थे। कथा का ये प्रभाव है, मैग्नेट है कथा एक प्रकार से, और पावरफुल मैग्नेट। जो बिहारी जी की ये जो पावन धरा है वृंदावनी, सबको कथा रूपी कृष्ण, कथा ही कृष्ण है, क्योंकि भागवत जी में लिखा प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही, जो भागवत है प्रत्यक्ष कृष्ण है, और गीता में लिखा शब्द ब्रह्म, तो शब्द से जब आप प्रभावित होते हैं तो वो शब्द नहीं, शब्द के रूप में आपके कानों में प्रविष्ट कर्ण रंध्रे न कृष्ण ही प्रवेश कर जाते हैं। कानों से कौन प्रवेश, जब आप कथा सुनते हैं, देखो आपने कथा सुनी अमेरिका में बैठकर यूट्यूब के द्वारा या टीवी के द्वारा सुनी, और जब कथा आप सुन रहे थे तो वो जो कानों से आपके अंदर जा रहा था वो शब्द नहीं था, शब्द के रूप में परमात्मा ही प्रवेश कर रहा था जिसने आपको यहां बुलाया। वो अंदर जब भगवान प्रवेश करते हैं ना तो पूरा चित्त को पवित्र कर देते हैं, निर्मल कर देते हैं। भक्तों आप सभी यहां आए इसलिए भागवत जरूर सुनना, इसलिए भागवत सुनना क्यों चाहिए। लोग कहते हैं भागवत सुनेंगे तो पितरों की सदगति हो जाएगी, हाँ जब हमारी मैया अमेरिका से भागवत सुनने वृंदावन आ सकती हैं तो फिर आपके पितर लोग भागवत सुनने क्यों नहीं आ सकते। भागवत की कथा पितरों को भी तो तारती है ना, पूर्वजों को। धुंधकारी मर गए, धुंधकारी
जब धुंधकारी की मृत्यु हुई तो धुंधकारी को भागवत सुनवाई गई। भगवान की कथा जब धुंधकारी ने सुनी धुंधकारी प्रेत बन गया मृत्यु के बाद, लेकिन वो धुंधकारी प्रेत योनि में उसने भागवत सुनी और गोकर्ण जी ने सुनाई, तो भागवत सुनने से धुंधकारी प्रेत योनि से मुक्त हो गया। ये देखिए जीते जी आप भागवत सुन लो, परीक्षित जी ने जीते जी भागवत सुनी और धुंधकारी ने मरने के बाद भागवत सुनी। तो जो जीते जी सुनता है उसका भी कल्याण, और कोई मर जाए और उसके परिजन यदि उस मृत्यु के बाद उसके नाम से भागवत सुनाए तो उसकी भी परम गति होती है। ये भागवत जी का प्रभाव है। इसलिए तो कहते हैं आप भी अपने पितरों के लिए भागवत जी जरूर कराओ, जरूर भागवत सुनो। जाने अनजाने में किसी से पाप हो जाता है तो वो भागवत जी से उस पाप से हम मुक्त हो जाते हैं। जैसे कोई पाप होता है ना तो पाप का प्रायश्चित होता है। जैसे आपने गलती की तो क्या बोलते हैं, सॉरी, है ना। जरा सा आप कुछ हुआ तो आपने क्या, सॉरी सॉरी भैया सॉरी, है ना। जैसे कुछ हो जाए, किसी को गाड़ी टच हो जाए, किसी को धक्का लग जाए तो क्या बोलना चाहिए, सॉरी शक्तिमान, सॉरी। जैसे सॉरी कहने से आपका वो गलती माफ हो जाती है, हाँ या ना। सॉरी कहने से वो गलती माफ हो जाती है ना। उसी तरह हम जीवन में जो पाप रूपी गलतियां करते हैं वो भागवत सुनने से माफ हो जाती है। इसलिए भागवत एक प्रकार की सॉरी है। इसलिए अपने पितरों के लिए यदि आपकी पितरों की सदगति नहीं हुई पाप के कारण, और जब वो भागवत सुनेंगे तो निश्चित उनकी सदगति होती है। इसलिए कहता हूं अभी 12 फरवरी माघ का महीना है, आप भी अपने पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए भागवत जी की पोथी पाठ करा सकते हैं। भागवत तो सुनना ही चाहिए, कितनों का चित्त निर्मल हो जाता है, शुद्धि हो जाती है, डिप्रेशन खत्म हो जाता है। इस धरती पर डिप्रेशन की कोई दवाई नहीं है, लेकिन मैं गारंटी लेता हूं, ये दास अनिरुद्ध गारंटी लेता है कि डिप्रेशन वाले को आप बिठाल दो मेरे सामने, 7 दिन के अंदर वो डिप्रेशन से बाहर ना आ जाए तो कह देना, केवल कथा गारंटी के साथ। कथा में इतना प्रभाव है, सत्संग जरूरी है, डिप्रेशन में व्यक्ति जाएगा ही। अच्छा बताओ, भारत में डिप्रेशन ज्यादा है या अमेरिका, लंदन, जापान, पेरिस में डिप्रेशन ज्यादा है? उत्तर दो, उत्तर। अमेरिका में डिप्रेशन ज्यादा है, लंदन में डिप्रेशन ज्यादा है, भारत के अतिरिक्त प्रत्येक कंट्री में डिप्रेशन है। आप स्टडी पढ़ लीजिए, इस चीज की स्टडी हुई है। मैं लंदन गया तो वहां मुझे हंसते हुए लोग कम मिले, वहां हंसते हुए लोग कम है। जितने हंसते हमारे यहां चाय की दुकान में बैठ के लोग हंसते मुस्कुराते मिल जाएंगे आपको, वहां तो बड़े बड़े मॉलों में भी आपको हंसते हुए लोग नहीं मिलेंगे, बहुत कम। भारत में डिप्रेशन क्यों नहीं है? लंदन, अमेरिका, जापान इत्यादि जितने भी पश्चिमी, उत्तरी, पूर्वी और दक्षिणी देश हैं, हर देश में आपको डिप्रेशन मिलेगा। क्यों? क्योंकि भारत में सत्संग है, भगवान की चर्चा है, वो आपको डिप्रेशन में जाने नहीं देती। जो सुनेगा वो बाहर रहेगा, गारंटी है इस बात की। और जो नहीं सत्संग करेगा तो डिप्रेशन तो है, चिंताएं तो घेरे बैठी है। इसलिए सत्संग बहुत आवश्यक है। सत्संग भी एक प्रकार का भोजन है। जैसे हम रोज खाते हैं तो भोजन करने से शरीर पुष्ट होता है, सत्संग करने से, कथा सुनने से, भागवत सुनने से आत्मा मन पुष्ट होता है, मन स्ट्रांग होता है, मन को बल मिलता है सत्संग से।
नेगेटिविटी समाप्त होती है, एक पॉजिटिविटी, एक नई किरण, नई एनर्जी, नई ऊर्जा हमारे भीतर प्रवेश करती है। आप 7 दिन बाद ऐसा लगेगा कि आपका अभी जन्म हुआ है, एक नया जीवन सत्संग के बाद मिलता है। इसलिए तो हमारे यहाँ सत्संग की महिमा है। जब राम जी अयोध्या से जाने लगे 13,000 वर्षों के बाद, तो राम जी के साथ सब चले, हम भी आपके साथ चलेंगे, हम भी चलेंगे, हम भी, पर हनुमान जी चुपके से पीछे बैठे रहे। राम जी बोले, हनुमान तुम नहीं चलोगे? हनुमान जी बोले, ना हम आपके साथ नहीं जाएंगे। अरे हम साकेत जा रहे हैं, साकेत लोक, हम रहेंगे वहां, अभी अयोध्या में हैं, अब साकेत में रहेंगे। हनुमान जी बोले, नहीं हम साकेत में क्या करेंगे, क्यों वहां हम रहेंगे ना। अच्छा ये बताओ, जहां आप साकेत जा रहे हो वहां आपकी कथा है? राम जी बोले, वहां तो हम ही हैं, वहां हमारी कथा की क्या जरूरत। हनुमान जी बोले, ना जहां आप हैं और आपकी कथा नहीं है वहां मैं नहीं रहता, जहां आपकी कथा है वहां मैं रहता हूं, और जहां आप हैं जरूरी नहीं है कि वहां आपकी कथा हो, पर जहां आपकी कथा है वहां जरूरी है कि आप होंगे। इसलिए मैं कथा सुनूंगा, आप जाओ मैं कथा सुनूंगा। तो राम जी बोले, कब तक आओगे, कब तक सुनोगे कथा? बोले, जब तक इस धरती पर आपकी कथा होती रहेगी, जब तक प्रभु आपका गुणगान होता रहेगा, तब तक मैं इस धरती पर रहूंगा। इसलिए अजर अमर गुण निधि सुत हूं, करहूं बहुत रघुनायक छहूं। हनुमान जी अमर हैं, जब तक भगवान की कथा है, जहां जहां कथा वहां हनुमान जी सुनते हैं कथा। कथा बहुत बड़ी ताकत है, इसलिए हम सबको भगवान की कथा सुननी चाहिए, हमें शांति मिलती है। हमारी मैया आई हैं, अब प्रेम पूर्वक कथा में प्रवेश करेंगे। भागवत का पहले मैं एक छोटा सा परिचय आपसे करा दूं। भागवत जी में 18,000 श्लोक है, 335 अध्याय हैं और 12 द्वादश स्कंध हैं। पर भागवत जी में संवाद किन किन का है? राजा परीक्षित और सुखदेव जी का, विदुर जी और मैत्रेय जी का, और सूत जी और शौनक जी का, नारद जी और युधिष्ठिर जी का, विशेष ये संवाद है। भागवत किस किसने किस किस को सुनाई? सुखदेव भगवान ने परीक्षित को सुनाई, सूत जी ने शौनकादि ऋषियों को सुनाई, और मैत्रेय जी ने विदुर जी को सुनाई। भगवान नारायण ने सबसे पहले भागवत ब्रह्मा जी को सुनाई, ब्रह्मा जी ने पुत्र नारद जी को सुनाई, नारद जी ने वेद अभ्यास जी को सुनाई, वेद अभ्यास जी ने सुखदेव भगवान को सिखाई, और सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित जी को सुनाई। ये परंपरा कहां से है? भगवान से। भागवत सीखनी पड़ती है। जैसे हमने कपड़े पहनने सीखे, हमने खाना खाना सीखा, भाई आपने जो सीखा है उसी तरह से तो आप खाते हैं। आपने जिस तरह से कपड़ा पहनना सीखा उसी तरह से तो पहनते हैं, हाँ या ना? सबके कपड़ा पहनने का तरीका अलग अलग है, सबके खाने का तरीका अलग अलग है। उसी तरह भागवत जब हम सुनते हैं तो आपको सुनना नहीं है, सीखना है, क्योंकि सुनी बात अमल पर नहीं आती, पर जो हम सीखते हैं वो उसे चरितार्थ करते हैं ना, वो अमल पर लाते हैं। तो भागवत केवल सुनने का ग्रंथ नहीं है, सीखने का है। जब सीखेंगे तो फिर आप क्या करेंगे, उसे उतारेंगे आचरण में, जो सुना जाए उसे उतारा जाए, तब वो ज्यादा प्रभावी होता। तो भागवत किसके लिए है? सीखने के लिए। हम सब भागवत को सीखें, अर्थात उस आचरण को उतारें जीवन में। भागवत जी की 6 अध्यायों की महिमा है, पहले वो महिमा से प्रारंभ करते हैं।
सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयम् नमः। सच्चिदानंद रूपाय सत्चित आनंद बराबर सच्चिदानंद। भगवान का स्वरूप कैसा है? पहला परिचय भागवत जी से। भगवान भागवत क्या है? भगवान का परिचय, भगवान का आधार कार्ड है भागवत जी। कहां रहते हैं, कब मिलते हैं, कैसे हैं, भागवत जी सुनने के बाद ही भगवान का परिचय होगा। जो भागवत नहीं सुना वो भगवान के बारे में नहीं जानता, जान ही नहीं सकता, क्योंकि आधार कार्ड ही है, पूरी इंफॉर्मेशन यहां है। भगवान की जितनी इंफॉर्मेशन भागवत जी में है और कहीं नहीं। जितना डीप में भागवत जी हमें भगवान के करीब ले जाएंगी उतना करीब कोई पुराण नहीं ले जा। 18 पुराण है, पुराण कितने हैं टोटल? 18। लेकिन 18 पुराणों में सबसे आखिरी पुराण भागवत जी है। वेद अभ्यास जी ने 17 पुराण लिखे, 4 वेद तैयार किए, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, 4 वेद और 18 पुराण। 17 पुराण और 4 वेद जब व्यास जी ने लिखे तब शांति नहीं मिली, तब नारद जी ने कहा कि आपने भागवत जी नहीं लिखी अभी तक, जब भागवत लिखोगे तो शांति मिलेगी। तो भागवत सुन लिखने से व्यास जी को शांति मिली। और आपकी जानकारी को बता दूं कि व्यास जी ने भागवत जी को लिखने के बाद फिर कुछ नहीं लिखा, क्योंकि भागवत जी में सब कुछ लिख दिया, उसके बाद जरूरत नहीं पड़ी। वेद अभ्यास जी की अंतिम कृति भागवत जी है। भागवत जी को किसने लिखा है? किसने? वेद अभ्यास जी। वेद अभ्यास जी कहां रहते हैं आज वर्तमान में? वेद अभ्यास जी का स्थान कौन सा है? बद्रीनाथ जी गए हैं? नहीं, बद्रीनाथ जी में व्यास गुफा है, आज भी है, जहां सरस्वती मैया निकल रही हैं, सरस्वती, वहीं व्यास गुफा है, सरस्वती नदी के तट पर व्यास गुफा है। ये गणेश गुफा जहां व्यास जी बोलते गए और गणेश जी लिखते गए, तो गणेश गुफा भी है जहां गणेश जी रहते थे, व्यास गुफा भी है जहां व्यास जी रहते थे। ये व्यास, ये देखिए पूरा, ये व्यास गुफा में जो पूरा पहाड़ है ना, देखना पोथी टाइप का, मतलब पन्ने टाइप का पूरा शिला है, प्राकृतिक है, कोई बनाया नहीं है, ये देखिए पहाड़ है, वो पूरा पन्ने टाइप ऐसा, जैसे एक पन्ने एक दूसरे पन्ने पे रखे हों। ये प्राचीन स्थान बचे हैं, प्राचीनता भारत में बहुत है, पूरी दुनिया जितनी प्राचीन है उससे कई गुना प्राचीनता हमारे यहां। पूरी दुनिया तो प्राचीनता मानती है मोहन जोदड़ो हड़प्पा संस्कृति को, हमारे यहां तो मोहन जोदड़ो हड़प्पा संस्कृति तो 2000 साल पुरानी है, लेकिन हमारे यहां तो राम सेतु 8 लाख वर्ष पुराना है लगभग, इतनी पुरानी सभ्यताएं संस्कृति हमारे यहाँ अवशेष आज भी है, अवशेष है वो स्थान है। अब व्यास गुफा की वो शास्त्रों में व्यास जी के गुफा, व्यास जी का वर्णन है तो उनके निवास का वर्णन है, तो वो बद्रीनाथ जी का वर्णन है, वो गुफा तो है आज भी, क्योंकि प्राकृतिक थी ना, वो छेड़ी नहीं गई जस की तस। लोग जाते हैं दर्शन भी करते हैं वहां, बिल्कुल सरस्वती नदी वहीं से प्रकट हुई है, वो माता सरस्वती नदी का प्राकट स्थल, ये सरस्वती मैया ये प्रकट हो रही है वहां से, अब यहां से स्टार्ट है। यहां पर एक भीम पत्थर है, भीम शिला,
ये देखिए सरस्वती मैया निकल रही, इतनी सी है वहां पर जहां से प्रकट हो रही है, जरा सी, मतलब आप पार कर सकते हैं यूं छलांग लगा के। उस तरफ जाने के लिए द्रौपदी नहीं जा पाई तो भीम जी ने एक शिला उठा के रखी वो नदी में, तो वो भीम शिला आज भी है। ये भीम शिला है। इस तरह से अवशेष जो हैं हमारे भारत के, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, आप कहीं भी जाओ प्रभु के अवशेष, उस जहां चरण पड़े चित्रकूट में भगवान के चरणों के निशान हैं, जहां भरत जी और राम जी का मिलन हुआ, अयोध्या में राम जी के जन्म के अवशेष मिले, उसी आधार पर राम मंदिर बना, उसी जगह को कोर्ट ने चिन्हित किया, उसी पर मंदिर बना और रामलला विराजे। तो ये सब पुरानी चीजें हैं। हमारा भारत, हमारी संस्कृति मोहन जोदड़ो हड़प्पा संस्कृति को दुनिया फॉलो करती हो, करती रहे, लेकिन हमारा धर्म, हमारी संस्कृति तो उस दिन से स्टार्ट हो गई जिस दिन सूर्य और चांद तैयार हुए, जिस दिन भगवान ने सृष्टि प्रारंभ की, तो इस संसार का पहला पुरुष कौन था वो तक लिखित में है। पता है आपको इस संसार का प्रथम पुरुष कौन था? जब सृष्टि हुई तो पहले कौन था? कौन? वो कौन था जो प्रथम पुरुष है, और वो कौन है जो प्रथम स्त्री है? कौन है वो? मनु और शत्रुपा। प्रथम पुरुष कौन? मनु। इसलिए हमें मनुष्य कहा जाता है, मनुष्य, मनु के अंश से मनुष्य, मनु शत्रुपा, शत्रुपा स्त्री। मनु शत्रुपा की 5 संतानें हुई, 3 बेटा, 3 बेटियां, 2 बेटे, जिससे फिर उनके वंश, फिर हम सब आगे संसार होता, जैसे एक बाप से, एक परिवार से, एक व्यक्ति से 4 बच्चे होते हैं, 4 के फिर 10 होते हैं, 10 के फिर 50 होते हैं, 50 के ऐसे ही बढ़ता चला गया। उसी तरह हमारे सबके पूर्वज भगवान हैं और मनुजी भगवान से प्रकट हुए। तो हमारे यहां पुराना इतिहास है, हमारी भागवत, हमारी जो भागवत है ये केवल भगवान का ही आधार कार्ड नहीं, बल्कि हम भारतीयों की, हमारी संस्कृति का आधार कार्ड भी भागवत जी है। हमारी संस्कृति का मूल परिचय भागवत जी में। इसलिए भगवान का स्वरूप सबसे पहले श्रवण करना है। कौन है भगवान? आओ भगवान कौन है पहले इस पर प्रकाश डालें। सच्चिदानंद रूपाय, सत्चित आनंद। ईश्वर कैसे हैं? सत्य। ईश्वर सत्य है। झूठा कौन है? आप लोग सच्चे हैं कि झूठे हैं? जो बदल जाए वो झूठ है, जो ना बदले वो सच है, और ना बदलने वाले भगवान हैं। आप लोग तो बदल गए, आपके तो बाल ही काले थे, सफेद हो गए। आप जवान थे, बूढ़े हो गए, मतलब आप बदल गए कि नहीं? और जो बदल जाए वो झूठ है। आप बच्चे थे, जवान हो गए, जवान थे, बूढ़े हो गए, आप बदल रहे हैं, इसलिए आप बदलता कौन है? झूठ बदलता, सच तो नहीं बदलता। यदि आप सच्चे होते तो आप बदलते नहीं, लेकिन आपकी केवल बॉडी नहीं बदल रही है, हर क्षण हर घंटे आपके विचार भी बदल रहे हैं। कल कुछ और विचार था, आज कुछ और विचार है, हाँ या ना? कल विचार था कि चलो आज खीर खाएंगे, पर आज आते आते खीर का विचार, अरे अच्छा खीर मत बनाओ, एक काम करो बढ़िया पकौड़े बना लो, विचार बदल गया। तो केवल बॉडी नहीं बदल रही है, लड़कपन से जवानी और जवानी से बुढ़ापा ही नहीं, केवल शरीर की स्थिति नहीं, मन की स्थिति भी बदल रही है, और जो बदल जाए वो झूठ है, हाँ या ना? जो ना बदले वो सच, सच नहीं बदलता ना।
इसलिए ईश्वर सत्य है क्योंकि वो नहीं बदलता, जगत झूठा है क्योंकि ये बदल जाता है। इसलिए ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या कहा गया है, ईश्वर को सत्य कहा गया, संसार को झूठा कहा गया। हाँ या ना, भगवान चित स्वरूप है, सबके भीतर समाये हैं। ईश्वर रहते कहां है, कहां रहते हैं? यहां तो एक्सरे करा ले। लोग कहते हैं भगवान यहां रहते हैं, तो आज तक एक्सरे में तो आए नहीं किसी के एक्सरे में। हनुमान जी ने तो छाती फाड़ कर दिखाई तो उनके तो बैठे मिले राम सीता। आपको छाती फाड़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक्सरा है, सिटी स्कैन है, कुछ भी करा लीजिए। भगवान दिल का विषय नहीं है, बिठाना तो दिल में है, पर इस बात तक पहुंचने के लिए आपको दूसरी बात से गुजरना पड़ेगा, और वो बात ये है, जो लोग कहते हैं ना भगवान कण कण में है, लोग कहते हैं भगवान मंदिर में है, लोग कहते हैं भगवान तो अंदर है, हृदय में है, दिल में है। आप कहते तो ठीक है पर इसे प्रूफ नहीं कर सकते, आप साबित करने के लिए कुछ दूसरी बातों कर सकते हैं पर उसके लिए ज्ञान बढ़ाना पड़ेगा। अब क्या बढ़ाएं ज्ञान के हम ये सिद्ध कर सकें कि भगवान हृदय में है? कैसे हम सिद्ध करें कि भगवान ईश्वर कण कण में तो है साहब, लेकिन आप सिद्ध कैसे करेंगे? और जब तक सिद्ध ना हो तब तक होने का कोई मतलब नहीं। भाई दही में मक्खन तो है पर आप निकाल नहीं पाए तो होने का मतलब क्या है? दही में मक्खन है या नहीं? हाँ या ना, है, लेकिन आपको निकालना नहीं आया, मथना नहीं आया, प्रोसेस नहीं पता आपको, दही से मक्खन निकालने का प्रोसेस नहीं पता, तो मक्खन होने का अर्थ क्या निकला? उसी तरह ईश्वर कण कण में है, मंदिर में है, दिल में है, लेकिन आप इसे साबित कैसे करेंगे, सिद्ध कैसे करेंगे? क्योंकि चीजें तब तक व्यर्थ हैं जब तक सिद्ध ना हो। होने से काम नहीं होगा। दही में मक्खन है कोई माई का लाल नकार नहीं सकता, कोई इसे नकार नहीं सकता, लेकिन होने से तो काम नहीं होगा ना। हमें रोटी लिए बैठे हैं, भाई साहब जरा मक्खन देना, बोले ये दही लगा लो। अब दही रोटी थोड़ी खाएगा कोई, दही मक्खन और रोटी खाएगा? दही के संग भात खाया जा, दही भात, रोटी में तो मक्खन हो, मजा आएगा। अब आपसे मांगा जा रहा है मक्खन और आप पकड़ा रहे हैं दही, अरे बोले दही में है तो मक्खन, तो है से क्या होता है? उसे सिद्ध करिए, उस मक्खन तक पहुंचिए। क्या आप उस मक्खन तक पहुंचे हैं या केवल छाती में हाथ रख के बता ही रहे हैं जन्म से आज तक? हाँ, हम लोगों से पूछते हैं भगवान कहां है, लोग बताते हैं भगवान तो कण कण में, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सर्वम खलविदम ब्रह्म। हम लोगों से पूछते हैं भगवान कहां है, लोग बताते हैं दिल में है, यहां है, यहां भगवान, मंदिर में भगवान। हाँ, मैं इस बात से नकारता नहीं हूं क्योंकि मैं स्वयं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि भगवान तो है, लेकिन आप क्या साबित कर पाओगे? अब बात आई साबित करने की, सिद्ध करके बताओ भाई। सामने वाला जब आपसे तो बात करेगा तो वो आपसे ठोस प्रमाण मांगेगा कि भाई आपके आपने छाती में हाथ रखा भगवान यहां, तुरंत वो कह देगा एक्सरे कराऊं क्या? तब आप फेल हो जाएंगे। इसलिए बात ऐसी हो जो फेल ना हो, प्रमाण ऐसा हो जो मिटे ना, जो मिट जाए वो प्रमाण कैसा? सामने वाला आपके प्रमाण को काट दे वो प्रमाण कैसा? प्रमाण ऐसा हो जो अकाट्य हो, अकाट्य मीन्स कटे ना। अब हम आपको प्रमाण दे सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं भगवान कहां है,
अब बताओ कहाँ है भगवान। अब देखो आप हाथ नहीं रख रहे हैं छाती में। भगवान कहाँ है? देखो गंगा नदी है या माँ है? बोलो गंगा नदी है या माँ है? मानो तो मैं गंगा माँ हूं और ना मानो तो बहता पानी। तो प्रश्न खड़ा हुआ कि भगवान कहाँ है? तो भगवान ना मूरत में ना तीरथ में, ना मूरत में ना तीरथ में। कबीर दास जी, अब मैं ये बात मैं कौन होता हूं बोलने वाला? कबीर दास जी से पूछो कि भगवान कहां है, तो कबीर दास जी कह रहे ना मूरत में ना तीरथ में, ना कोई निज निवास में, मुझको कहां तू ढूंढे बंदे, मैं तेरे विश्वास में। मैं तेरे कॉन्फिडेंस, हमें विश्वास है ईश्वर पर। यदि विश्वास है तो गंगा माता है, नहीं है तो पानी है। भाई हिंदू तो गंगा को माता मानता है, मुसलमान तो गंगा को माता नहीं मानता, क्रिश्चियन तो गंगा को माता नहीं मानता, वो तो पानी मारे पानी है। लेकिन वो पानी सामान्य पानी से अलग है, ये वो भी मानते हैं। लेकिन आस्था जो हिंदुओं की है गंगा के प्रति, वो माँ वाली आस्था है। गाय को लोग जानवर बोलते हैं, लेकिन हम जानवर नहीं बोलते, हम माता बोलते हैं, गऊ माता है। तो ये सब चीजें कहां की हैं? ये विश्वास की चीजें हैं। भगवान कणकण में है पर प्रकट कैसे होगा? बोले विश्वास से प्रकट होगा। बोले विश्वास से कैसे होगा? बोले जैसे प्रहलाद ने कहा कि इस खंबे पर भगवान है और हिरण्यकश्यप ने प्रहार किया, तो प्रहलाद का विश्वास था कि है, तो प्रहलाद के विश्वास को सत्य करने के लिए भगवान प्रकट हो गए कि मेरे भक्त का विश्वास न टूट जाए। भगवान भक्त के विश्वास करना हमारा धर्म है और विश्वास की रक्षा करना भगवान का धर्म है। बात समझ में आई? विश्वास करना हमारा धर्म है और उस विश्वास की लाज रखना। तो ईश्वर कहां है? यदि आपको विश्वास है तो कण कण में भगवान है, और विश्वास नहीं है मंदिर में भगवान है किनके लिए? जिनको विश्वास है, नहीं तो पत्थर है साहब। लोग तो कहते हैं पत्थर की मूर्ति है, कुछ लोग तो आपको कहते हैं तुम पागल हो गए हो, पत्थर की मूर्ति को भगवान मान रहे हो। कुछ लोग कहते हैं पत्थर खाता थोड़ी है, तुम व्यर्थ में रोटी सब्जी पत्थर को खवा रहे हो, भोग लगा रहे हो। हाँ वो अपनी जगह ठीक है, वो ठीक कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके लिए पत्थर है, क्योंकि उनके अंदर विश्वास नहीं है। अच्छा विश्वास कब तक नहीं होता? अच्छा एक बात बताओ, एक लड़की है और एक स्त्री है। लड़की मतलब कुमारी कन्या, 20 साल की है, 21 साल की है पर विवाह नहीं हुआ, और स्त्री मतलब विवाह हो चुका और वो किसी की स्त्री हो गई अर्थात पत्नी हो गई, और वो एक बच्चे की माँ हो गई। अब एक बच्चे की माँ, एक स्त्री, ध्यान से समझना, एक स्त्री जिसका एक बच्चा है और एक वो लड़की जो 20 साल की है और उसका भी विवाह नहीं हुआ, बच्चा नहीं हुआ, तो बताओ जो फीलिंग उस स्त्री की है जिसका बच्चा है, क्या वो फीलिंग इसकी हो सकती है जिसका विवाह नहीं हुआ? बोलो, हो सकती है? जब आपका बच्चा होता है ना, तो आपका बच्चा आपकी गोद में होता है, छिछी करता है, सुसु करता है, तो जो आपकी सहेली होती है ना, उसका तो विवाह हुआ नहीं, वो नाक पकड़, अरे कैसा तेरे बच्चे ने तेरी गोद में, तुझे गंध नहीं आ रही है? हाँ हाँ देख हमें तो, वो भाग जाएगी, क्योंकि वो अभी उस दौर से गुजरी नहीं। जब उसका भी विवाह होगा, उसकी गोद में उसका बच्चा छिछी सुसु करेगा, तब वो छिछी सुसु से
भी वो बच्चे से प्यार करती रहेगी, क्योंकि अभी वो जो फीलिंग है ना, बात समझो, जब तक लड़की माँ नहीं बनती तो माँ वाली फीलिंग नहीं होती। माँ वाली फीलिंग तभी आएगी आपके अंदर जब आप माँ बनोगी, क्योंकि बच्चा जब पैदा होता है तो केवल बच्चा पैदा नहीं होता, बच्चे के साथ माँ भी पैदा होती है। हाँ या ना, बात समझ में आई? तो आप सामने वाले को समझाओ जो कहते हैं कि ये तो पत्थर है, पत्थर को भोग लगाने की क्या जरूरत, पत्थर को नहलाने की, ये तो पत्थर है। हाँ साहब, तुम्हारे लिए पत्थर है, क्योंकि कुंवारी लड़की अभी वो फीलिंग है नहीं माँ वाली, तो अभी इसके अंदर वो भक्त वाली फीलिंग नहीं है, क्योंकि अभी इसके अंदर विश्वास नहीं है। क्या नहीं है? माँ के अंदर ममता ना हो, ममत। अच्छा सुनो, इंसान नहीं, आप गाय को देखो ध्यान से भैया, आप समझो हा? गाय, गाय को ना आप बहुत लाड़ करो, प्यार करो, लेकिन वही गाय जब माँ बन जाती है, उसका बछड़ा हो जाता है, बछिया हो जाती है, तो आप बछड़ा बछिये के पास जाओ तो वो सीधी सादी गाय भी ना मारती, झमियाती, ऐसी ऐसी करती। कभी नहीं मारती थी वो गाय, लेकिन आज बच्चा हो गया ना उसका, और आप बच्चे के पास जाओगे तो वो आपकी तरफ दौड़ेगी, उसे लगेगा कि ये मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाने आ रहे हैं। बाद में फिर वो दिन दो दिन में समझ जाएगी कि नहीं, ये नुकसान नहीं पहुंच, फिर वो आदी हो जाएगी। एक बात बताओ, गाय बहुत सीधी होती है, आप प्यार करते हैं, लाड़ करते हैं, वो बहुत चाटती है आपको, लेकिन जब वो मां नहीं बनती ना तो उसका व्यवहार अलग होता है गाय का, और वही गाय जब माँ बन जाती है ना पहली बार, तो उस गाय का व्यवहार बदल जाता है। कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि गाय का व्यवहार बदल जाता है? आप सहमत नहीं है? आपको नहीं पता? अच्छा चलो, एक लड़की का व्यवहार और एक माँ का व्यवहार, लड़की जब माँ बन जाती है तो उसका व्यवहार बदल जाता है, कितने लोग इस बात से सहमत हैं? है ना, लड़की की फीलिंग अलग है और माँ की फीलिंग अलग है। हाँ या ना? लड़की होना आम बात है, माँ होना विशेष बात है। तो भगवान को पत्थर देखना, मंदिर में पत्थर देखना आम बात है, पर उस पत्थर में भगवान को देखना विशेष बात है, है ना? हाँ या ना? विशेष बात है या नहीं? इसलिए जो लोग कहते हैं कि जी ये पत्थर है, ये मूर्ति तुम भोग लगा रहे हो, कपड़े पहना रहे हो, ये कुंवारी लड़की की तरह है, और जो कह रहे हैं कि ये पत्थर नहीं है भैया, ये भगवान है, ये माँ की तरह है, बात बस इतनी है कि माँ के अंदर ममता जाग गई है, अभी लड़की के अंदर ममता नहीं जागी। भक्त के अंदर विश्वास जाग गया है और इसके अंदर विश्वास नहीं जागा, इसलिए ये पत्थर समझ रहा है क्योंकि विश्वास नहीं है, और हम भगवान समझ रहे हैं क्योंकि विश्वास है। तो पूरा खेल विश्वास का है। हाँ या ना? तो ना मूरत में, ना तीरथ में, ना कोई निज निवास में, मोकू कहां तू ढूंढे बंदे, मैं तेरे विश्वास में। चार दीवारी बना के उसमें मुझको ना महफूज करो, हर पल तेरे साथ खड़ा मैं, मुझको जरा महसूस करो। ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काशी कैलाश में, मुझको कहां तू ढूंढे बंदे, मैं तेरे विश्वास में। कहां है भगवान? विश्वास है तो कणकण में है, विश्वास है तो ये भगवान है, विश्वास है तो ये भगवान है, वरना धातु की मूर्ति है। विश्वास है तो बिहारी जी भगवान है, वरना शिला है। विश्वास है तो भगवान है, नहीं है तो फिर आपके अंदर अभी विश्वास की कमी है, जब वो जागेगा तब आप इस स्थिति तक पहुंचेंगे। मैं नहीं कहता मौन रहो तुम,
भगवान कह रहे हैं कि मैं नहीं कहता कि मौन रहो तुम, मैं नहीं कहता कि शोर करो, अपना ज्ञान किनारे रखकर मेरी बात पे गौर करो। ना जप ना तप में ना व्रत, ना जप तप में ना मूरत में ना व्रत और उपवास में, मोकों कहां तो ढूंढे तेरे विश्वास में। ना जप में ना तप में ना पूजन उपवास में भगवान कहां है। मुझ पे तो अभिमान है तुझको, मुझ पे तो अभिमान है तुमको, तुम पे मैं अभिमान करूं, हारे के साथी बन जाओ तुमको नाम ये दान करूं। मैं भूखे की भूख में रहता, मैं भूखे की भूख में रहता मैं प्यासे की प्यास में, मोकू कहां तू ढूंढे बंदे मैं तेरे विश्वास में। भगवान कहां है? भूखे की भूख में। इसलिए गौरी गोपाल आश्रम में हजारों संतों का, भक्तों का भोजन बढ़ता है निःशुल्क। कोई आए सबको पेट भर भोजन मिलता है, क्योंकि मुझे तो सबकी भूख में परमात्मा दिखता है कि सबकी भूख मिटेगी तो वो भूख ईश्वर की भूख है। गौरी गोपाल आश्रम में सेवाएं चलती हैं, 30,000 लोग लगभग रोज प्रसाद पाते हैं। आप भी दर्शन कर सकते हैं अपनी आंखों से। 275 वृद्ध माताएं रहती हैं, वो माए जिनके अपने बच्चों ने घर से निकाल दिया, ऐसी माओं की सेवा यह दास करता है। हमें तो सेवा में ही ईश्वर दिखता है, इन माओं में भगवान दिखता है, और भूखे की भूख और प्यासे की प्यास में ईश्वर दिखता है। अब बताओ कहां जाएं भगवान ढूंढने। जिसने मुझको पाया उसने कौन से भोग लगाए थे, जिसने मुझको पाया उसने कौन से भोग लगाए थे, नरसी मीरा और सुदामा साथ भरोसा लाए थे। बताओ सुदामा ने कौन सा भोग लगाया? 56 टूटे फूटे चिवड़ा ही तो दिए थे। नरसी ने क्या परोस दिया? मैया ओ मेरी माँ, जागो मेरी माँ, राम राम, सो गई मेरी मैया। हाँ, विश्वास में चली गई मैया। सोना नहीं है मेरी माँ, मैं सोने नहीं देता, बस मेरी एक कमी है, बहुत बुरा हूं मैं, सोने नहीं देता। सो मत जाना। देखो कितनी बढ़िया हम आपको बात सुना रहे हैं, करोड़ों की बातें हैं और आप सो रही हो। जिसने मुझको पाया उसने कौन से भोग लगाए थे, बताओ। नरसी मीरा और सुदामा साथ भरोसा लाए थे, ये क्या लेकर गए थे? विश्वास, प्रेम भाव। भक्त जो महसूस कर सके मैं उसके एहसास में, मौकू कहां तो ढूंढे बंदे मैं तेरे विश्वास। तो भगवान तो विश्वास में रहते हैं, इसलिए हम कहते हैं विश्वास ना जाने दीजिएगा। हाँ हाँ, हो मत हो न मन वावरे उदास, ये सांवरा जरूर आएगा। ओ मन में रखना विश्वास, ये सांवरा जरूर आएगा।
मत हो न मन बावरे उदास, ये सांवरा जरूर आएगा। ओ मत हो न मन बावरे उदास, ये सांवरा जरूर आएगा। मन में रखना विश्वास, ओ मन में रखना विश्वास, ये सांवरा जरूर आएगा। संभालने वाला प्रभु आप, अंधकार है सामने और राह भी अनजानी है, बताने वाला कौन? हमारे लिए तो केवल भगवान है। डोली नैया तेरे हाथों में ना पतवार हो, राह अनजानी और घोरे अंधकार हो। विश्वास रखिएगा, जिन्होंने द्रौपदी की लाज नहीं जाने दी वो हमारी लाज भी नहीं जाने देंगे, जिन्होंने द्रौपदी की रक्षा की वो हमारी भी करेंगे। विश्वास रखिएगा बस द्रौपदी की तरह। तेरी लाज नहीं जाने देगा इतना तू जानना, कसौटी पे डटे रहना हार नहीं मानना। हो तेरी लाज नहीं जाने देगा इतना तू जानना, कसौटी पे डटे रहना हार नहीं मानना। सच प्रेमी नहीं हो सांवरा जरूर आएगा। सच प्रेमी नहीं
होते हैं निराश, ये सांवरा जरूर आएगा। मत हो न मन बावरे उदास, ये सांवरा जरूर आएगा। मत हो न मन बावरे उदास, ये सांवरा जरूर आएगा। ज्योति जलाना है, और जब दिल में भक्ति और प्रेम की ज्योति जल जाएगी, दीपक जल जाएगा, तो क्या होगा? आएगा मेरा सांवरा दिल से बुला के दे, आएगा मेरा सांवरा दिल से बुला के दे, आएगा मेरा सांवरा दिल से बुला के दे, आएगा मेरा सांवरा दिल से बुला के दे। मत हो न मन बावरे उदास, ये सांवरा जरूर आएगा। मत हो न मन बावरे उदास, ये सांवरा जरूर आएगा। मन में रखना विश्वास, ओ मन में रखना विश्वास, ये सांवरा जरूर आएगा। मन में रखना विश्वास, ये सांवरा जरूर आएगा। ओ मन में रखना विश्वास, ये सांवरा जरूर आएगा। मोकू कहां तो ढूंढे बंदे मैं तेरे विश्वास में, इसलिए ईश्वर विश्वास का विषय है। आप यहां बैठे इसलिए हैं क्योंकि आपको भगवान पर विश्वास है, और वही विश्वास आपको यहां तक लाया है। इसलिए अपने विश्वास को और मजबूत कीजिए, और धीरे धीरे उस विश्वास का लाभ लीजिए कि उस परमात्मा को केवल मंदिर और मूर्ति तक नहीं, कण कण में, जैसे कहा हमने कि भूखे की भूख में और प्यासे की प्यास में, उस ईश्वर को देखना स्टार्ट कीजिए।
भगवान सब जगह है, बस विश्वास की मथानी चाहिए। तो भगवान आनंद के सागर है, सतचित आनंद। जो आनंद में डूबे हैं वो भगवान को पाएंगे। आनंद एक होता है सुख, एक होता है दुख। बताओ मैया क्या अच्छा है, सुख या दुख? ना, भगवान से प्रार्थना करो, हे प्रभु ना हमें सुख चाहिए ना हमें दुख चाहिए। सुख का उल्टा दुख होता है, हानि का उल्टा लाभ होता है, लाभ का उल्टा हानि है, सब चीज का उल्टा है। इसलिए सुख पाओगे तो दुख मिलेगा, क्योंकि उल्टा वही है। इसलिए दुनिया के लोग सब दुखी हैं, क्योंकि मांगते सुख है और मिलता दुख है, क्योंकि उल्टा है ना सब। इसलिए हमें ना सुख चाहिए ना दुख चाहिए, हम तो आनंद में रहना चाहते। हे प्रभु हम तो आनंद में रहें। इसलिए सुख में मत रहो, दुख में मत रहो, आनंद में रहो। क्योंकि सुख का उल्टा दुख है, पर आनंद का उल्टा बताओ क्या है? क्या उल्टा है? आनंद में सब सीधा है, यहां उल्टा नहीं है। और कहोगी तो परमानंद मतलब और आनंद बढ़ेगा, परमानंद और आनंद। यहां माइनस नहीं है, प्लस प्लस है। हाँ या ना मैया? ओ पंचायती मैया, हो बात कर लो, बहन बात कर रही है हमारी, पंचायत चल रही है ना अच्छे से। ओ बहन लाल, वो पता ही नहीं कहाँ कहाँ चल रहा है, क्या चल रहा है, जगाओ जरा। हाँ हो गई पंचायत, और कर लो थोड़ी सी। आप बैठ जाओ भैया, सब बैठो, आनंद लो, बैठो। तो भग अपने को किस में रहना है? हमें सुख नहीं चाहिए और हमें दुख भी नहीं चाहिए, हमें तो हाँ। और आनंद क्यों मिलेगा आपको? क्योंकि आप भगवान के भक्त हैं, और भक्तों को सुख नहीं मिलता, दुख नहीं मिलता, भक्त तो आनंद में रहते हैं। इसलिए हमारे यहां उत्सव होता है, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया। हमारे कृष्ण का नाम आनंद है, नंद के, क्योंकि आनंद चाहिए अपने को, सुख नहीं चाहिए। सुख मिलेगा तो दुख भी मिलेगा। अपनों का मिलना सुख है और अपनों का बिछड़ना दुख है। और जो मिला है वो बिछड़ेगा जरूर। तो जब मिला था तो सुख मिला, और बिछड़ेगा तो सुख दुख आया कि नहीं? लेकिन आप संसार के सुख दुख से परे हो जाइए और आनंद में रहिए। जिसके जीवन में मिला सत्संग है उन्हें तो हर घड़ी आनंद ही। इसलिए सत्संग आनंद को देने वाला है, सत्संग आवश्यक। हाँ या ना मैया? वो मोबाइल चल रहे हैं पीछे। राम राम। हो गया मोबाइल का काम? अब सुन लो थोड़ी सी कथा, बैठ जाओ मेरी माँ। ओ टोपा वाली मैया कहाँ भागी चली जा रही हो, बैठो। भगवान आनंद के सागर हैं। करते क्या है भगवान? विश्व की उत्पत्ति पालन और संहार। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। जो सारी सृष्टि को पालन संहार करने वाले भगवान, जो आनंद को देने वाले, सारे दुखों को मिटाने वाले, ऐसे भगवान को हम राधा सहित श्री कृष्ण को नमस्कार करते हैं। यम प्रव्रजंत मनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर वाजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेदुस्
तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोष। श्री सुखदेव भगवान का जन्म हुआ और जन्म लेते ही सुखदेव भगवान निकल पड़े तपस्या करने। सुखदेव भगवान ने इसका इंतजार नहीं किया कि मैं बूढ़ा हो जाऊं पहले, जैसे आप लोगों से हम बोलते हैं ना भाई कथा सुना करो, भगवान की कथा सुना करो, तो आप लोगों में कुछ लोग कहते हैं अरे कथा तो बूढ़े बुढ़ापे में सुनेंगे, भागवत तो बुढ़ापे में सुनेंगे, जवानी में थोड़ी। अब भाई लोगों को समझाओ कि भागवत बुढ़ापे में सुनने से क्या होगा, सुनने की सही उम्र तो लड़कपन और जवानी है, जवानी सुधर जाएगी तब ना बुढ़ापा सुधरेगा। अब जवानी बिगड़ गई बुढ़ापा आया और अब बुढ़ापे में आप सोच रहे हैं कि कथा सुने, तो सुधरना जवानी थी भाई, शुरुआत सुधर। नींव आपने ऊपर कितना बढ़िया कितनी मजबूती दी, घर में मायने नहीं रखता, आपने नीचे नींव को कितना मजबूत बनाया ये मायने रखता है। आप नया घर बनाएंगे तो ऊपर आप कितना मजबूत बना रहे हैं उससे मतलब नहीं, आपने नीचे नींव कितनी मजबूत उसकी डाली है, नीचे से मजबूती कितनी दी है वो मायने रखती है। उसी प्रकार बुढ़ापा कितना संस्कारी है मायने नहीं रखता, जवानी में आप कितने संस्कारी हैं ये मायने रखेगा और वो संस्कारी कथा बनाएगी आपको। बुढ़ापे में तो संस्कार आ ही जाते हैं, बुढ़ापा में तो आदमी समझ लेता है सब घूम घाम के बाबा साहब तो नहीं भाई कहीं, उसको समझ में आता मौत के दिन करीब है, अब मरनी है, इसलिए अब वो आ जाता है थोड़ा ठिकाने, समझ लेता है, समझ में जवानी में समझ में आ जाए तो बुढ़ापा अच्छा बीतेगा। इसलिए लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया और बुढ़ापा देख के रोया। बुढ़ापा तो केवल रोने के लिए है, शरीर में दर्द ही इतना हो जाता है कि सिवाय रोने के कोई ऑप्शन नहीं रहता, इसलिए सुधरना है तो जवानी को सुधारो। इसलिए भागवत की कथा बूढ़े के लिए तो है ही पर जवानी के लिए है कथा, इसलिए कथा जवानी में सुनो, जवानी में सुन लोगे तो रास्ता सही पकड़ लोगे। इसलिए तो कहते हैं हाँ भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है, भजन करो मस्त जवानी में। इसलिए जवानी अच्छी है, बिल्कुल फ्रेश साफ सुथरी, बुढ़ापा ना जर्जर हो जाता है, शरीर काम नहीं करता। ध्यान कर पाओगे जवानी में, कथा तीर्थ कर पाओगे जवानी में, बुढ़ापा केवल चिंतन में जाए तो अच्छा है, भगवत चिंतन में। और बुढ़ापे में भी आप कथा सुनना स्टार्ट करें, देखो जब जागे तब सवेरा, ये भी ठीक है भाई, जब सुना तब सुना, सुना तो सही लेकिन मूल जो है वो जवानी अच्छी है। यदि आप हमसे पूछें कि भगवान की भक्ति कब से करें, तो लड़कपन में भक्ति के संस्कार आ जाएं और जवानी में व्यक्ति अच्छे कार्यों को करता हुआ अपने काम को अंजाम दे। अच्छा भक्ति का मतलब काम छोड़ना नहीं है, आजकल कुछ लोग कहते हैं अरे तुम भक्ति करोगे तो काम छोड़ना नहीं, ना परिवार छोड़ना है, ना पत्नी छोड़ना, ना बच्चे छोड़ना, ना तो काम, पैसा खूब कमाओ, पैसा खूब कमाओ, काम खूब करो। अब बताओ ये दास अनिरुद्ध, हम तो काम भी खूब करते हैं और आपकी सेवा भी खूब करते हैं, ज्यादा पैसा कमाओ, ज्यादा काम करो, ज्यादा पैसा कमाओ और समाज की ज्यादा से ज्यादा सेवा करो, ये है जीवन का सार। पैसा खूब कमाना चाहिए लेकिन उस पैसे को तिजोरियों में बंद नहीं करना चाहिए, अपने बच्चों के लिए बहुत कमा के रखना नहीं चाहिए, बच्चे तो टैलेंट दे दो कमा के खा लेंगे, आप तो कमाया हुआ समाज की सेवा में, जहां जरूरत है भूखे को भूखे दो, प्यासे को पानी दो, जरूरतमंदों की सेवा, हमारे शरीर से सेवा हो सके। इसलिए गौरी गोपाल आश्रम में यह दास केवल सेवा करना जानता है और आपको प्रेरित करता है सेवा के लिए।
सारी प्रॉपर्टी सारा धन बच्चों को क्यों देना है? बच्चे अपना कमा के खाएंगे। बच्चों को टैलेंट दीजिए, पैसा नहीं, काबिलियत दीजिए, सोना नहीं। सोना चांदी वो कमा लेंगे, पैसा खूब कमा लेंगे, गुण हो। हाँ या ना? आपने जो कमाया है उसकी कमाई का कुछ हिस्सा सेवा परोपकार। आजकल लोग पूरा कमा कमा के खाना चाहते हैं, हिस्सा निकालते ही नहीं। अच्छा बताओ, आपकी कमाई का एक हिस्सा सरकार का होता है कि नहीं, जिसे इनकम टैक्स कहते हैं? हाँ या ना? सर, आपकी कमाई का कुछ हिस्सा सरकार का होता है, तो वो सरकार को आपको चुकाना पड़ता है, इनकम टैक्स बोलते हैं उसे। आपकी कमाई पर टैक्स लगता है 30%। आपकी कमाई का 30% हिस्सा सरकार का होता है। आपने 100 रुपए कमाए तो 30 रुपए सरकार के हैं। हाँ या ना? ये नियम हमारे भारत का है। हाँ या ना? आपकी कमाई का कितने परसेंट सरकार को देना पड़ता है? 30%। आप इनकम टैक्स तो भरते होंगे कि नहीं भरते? नहीं भरते तो फिर आपको पता नहीं है। भरते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी कमाई का 30% लगता है। वो सरकार को नहीं दोगे तो सरकार आपको चोर कहेगी। इनकम टैक्स चोर है ये। तो सोचिए कि आपकी कमाई का 30% सरकार लेती है, तब आपका वो पैसा एक नंबर का होता है, शुद्ध होता है। तो आपकी कमाई का कुछ परसेंट भगवान भी तो लेते होंगे। लीगल तो ये है कि भाई लें, लेकिन आप दें तब ना लें। अब जितना आप कमाएंगे सारा कमा के खा जाएंगे, बच्चों को देंगे। भगवान कहते हैं कि भाई 100 रुपए कमाओ तो हमें 5 रुपए, सरकार 30% लेती है। भगवान कहते मैं 5% में खुश हूं, और छोड़ो तो भगवान बोले मैं 3% में खुश हूं। आपकी कमाई का 3 रुपया आप गरीबों की सेवा में लगाओ, दीन दुखियों की सेवा में लगाओ, समाज की सेवा में लगाओ, तो वो भगवान खुश होते हैं कि हाँ तुमने सेवा की है। भगवान की खुशी किससे है? भगवान कहां है? आप सबके भीतर हैं, विराजे हैं आत्मा के रूप में। वो परमात्मा जब आप तृप्त होते हैं ना, तो वो तृप्ति आपकी नहीं है, भगवान की तृप्ति है। आप तो आप हैं ही नहीं ना, आप कौन है? बोलो आप कौन है भाई, आप कौन है? आप कौन है? आप कौन है? कोई कहता मैं सचिन हूं, मैं सौरभ हूं, मैं गोविंद हूं, मैं गोपाल हूं, मैं मनमोहन हूं। लोग अपना परिचय देते, मैं ये हूं, मैं अनिरुद्धाचार्य हूं। ये परिचय यहां का है, व्यवहार जगत का। रियल परिचय नहीं, परिचय नहीं है ये हमारा। आप कौन है? मैं अभी बता दूं कि आप कौन है तो आप समझ जाएंगे। समझो आप कौन है, चलो बताओ। जब हमारे अंदर से आत्मा निकल गई तो लोगों ने हमारे बचे हुए शरीर के साथ क्या किया? उत्तर दो, क्या हुआ? जला दिया। समझ में आया? जिस दिन आपके भीतर से आत्मा निकल जाएगी उस दिन लोग आपको, तो ये शरीर जो है देखता है, सुनता है, बोलता है, ये किसके पावर से बोलता है? बोलो। उस आत्मा के पावर से। वो आत्मा गई तो ना आंख देख सकेगी, ना कान सुन सकेगा, ना पांव चल सकेंगे। तो मैन पावर कौन है? आत्मा। बोलो हाँ या ना? कौन है भाई? आत्मा गई तो आपको जला दिया गया, आंख ना देख पाई, ना कान सुन पाए, तो आत्मा चली गई। और जब आत्मा गई तो आत्मा थी कौन? आई कहां से थी? अच्छा, आत्मा कहां से आई थी आपके भीतर और कहां चली गई? इसे समझो। आप एक घड़े में पानी भरो और उस घड़े को छत पर रखो,
तो उस छत पर रखे हुए घड़े में, उस घड़े के जो पानी के अंदर, आपका घड़ा है, घड़े में पानी है, अब पानी में आप आंगन में रख दो, पानी के अंदर ना आपको सूर्य भगवान का प्रतिबिंब दिखता है। बोलो हाँ। आप एक घड़े में पानी भरेंगे तो उसमें सूर्य भगवान का क्या दिखेगा? एक गोला गोला दिखेगा उसके अंदर, सूर्य भगवान का। हाँ या ना? रात्रि को रखोगे तो चांद दिखेगा, चंद्रमा। हाँ या ना? अब ये मुझे बताओ कि घड़े में तो आपने पानी भरा था, वो सूर्य का प्रतिबिंब कहां से आया? बोलो। चलो, अब मैंने घड़ा फोड़ दिया, अब बताओ वो प्रतिबिंब कहां चला गया? उत्तर दो, हल्के में मत लेना इन बातों को। तुम्हारी उम्र हो गई होगी पर इन बातों में तुमने कभी गौर नहीं किया होगा। सारी जिंदगी यूनिवर्सिटियों में पढ़ लो। मैया को जगाना जरा, मैया सो लो मेरी माँ, पूरी रात पंचायत करती हो और कथा में आके सो जाती हो। जागो, बड़ी नींद आ गई महाराज जी, कथा है ही इतनी अच्छी, लोग सो जाते हैं। सो जाए मतलब शांति मिलती तब तो सोते हैं, कथा में शांति मिलती है। पिक्चरों को देखने में आदमी नहीं सोता, मूवी देखने गए ना नहीं सोएगा 3 घंटे, क्योंकि मूवी अशांत करती है चित्त को, कथा शांत करती है चित्त को, इसलिए कथा में नींद आना स्वाभाविक है। बस वो तो हम मूर्ख हैं जो सोने नहीं देते हैं, हम बड़े दुष्ट आदमी हैं। सोते हुए को जगाना भी बहुत बड़ा पाप है, पता है आपको? नहीं, सही बोल रहे हैं, घर में आप लोग सोते को जगाया ना करो। वो तो हम कथा में बोल, हमने जगा दिया कि आप कथा सुन लो, क्योंकि पाप लगेगा 5 रुपए का, पर कथा सुन लेंगी तो पुण्य होगा 95 रुपए का। तो चलो 5 रुपए का पाप सह लेते हैं, 95 का फायदा है इनका। ये मैया जागी तो फायदा हुआ, ये मैया जागेंगी फायदा, तो इनका फायदा ज्यादा है। तो हमें थोड़ा बहुत पाप लग भी जाए तो हमें 5 रुपए का पाप लग जाए, पर इनका 95 का। यदि आपका फायदा हो रहा है पर हमारा नुकसान हो रहा, तो हमारी सोच तो है कि हमारा नुकसान हो तो हो पर आपका फायदा होना चाहिए। इसलिए मेरी माँ जागो। घर में आप लोग ना, जैसे आपकी पत्नी सोती है पति आके जगा देता है, पति सो रहा है पत्नी जगा देती है। सोते हुए को जगाना पाप है, आप लोग मत जगाया करो। घर में कथा में तो जगा सकते हैं। तो गहरी बात हम आपको समझा रहे थे, अब वो गहरी बात समझो कि माटी के घड़े में पानी भरा था, उसमें सूर्य का प्रतिबिंब आया, पर मैंने घड़ा फोड़ दिया, तो बताओ वो प्रतिबिंब कहां चला गया? आप बताओ। ये बताओ आप, हाँ, मिट्टी पानी में समा गया? अच्छा, पानी में घुल गया। हाँ मैया बोल रही है पानी में घुल गया। अच्छा प्यारी मैया, हाँ आप बताओ। हाँ आकाश में चला गया, ठीक कह रहे हो आप। हाँ मैया बैठी बैठी बताओ, बच्चा कुरकुरे ले आए आपके लिए, देखो क्या लाए। ठीक ठीक ठीक, अच्छा सूर्य का जो प्रतिबिंब था, घड़ा हमने फोड़ दिया, तो वो प्रतिबिंब जो है वो बिंब से आया था, बिंब में समा गया, सूर्य का प्रतिबिंब है तो बिंब हुआ सूर्य, और वो छाया जो पड़ रही थी वो प्रतिबिंब है। तो बिंब प्रतिबिंब जो है, मेरी परछाई मेरे से निकलेगी, मैं चला जाऊंगा तो परछाई चली जाएगी, तो प्रतिबिंब जो है वो बिंब से है। प्रतिबिंब किससे है? यदि बिंब ना हो
तो प्रतिबिंब कैसे होगा? तो सूर्य है बिंब और उनका जो परछाई थी वो है प्रतिबिंब। तो घड़ा टूटा तो वो बिंब जो था, प्रतिबिंब जो था, वो प्रतिबिंब किस में समा गया? चूंकि बिंब का था तो बिंब में है। उसी तरह आत्मा जब निकली तो आत्मा भी ईश्वर का प्रतिबिंब है। जैसे घड़े में एक सूर्य दिखाई पड़ रहा है, वो सूर्य नहीं है, सूर्य का प्रतिबिंब है। उसी प्रकार जो आत्मा है, ये आत्मा ईश्वर नहीं है, ये ईश्वर का अंश है। जैसे वो जो प्रतिबिंब था वो सूर्य नहीं था, वो सूर्य का अंश है प्रतिबिंब। उसी प्रकार हम ईश्वर नहीं है, हम ईश्वर के अंश हैं। जो लोग कहते हैं ना हम ब्रह्मास्मि, हम ही भगवान है, गलत है ये। हम भगवान नहीं है, हम भगवान के अंश हैं। कैसे? जैसे गंगा का पानी है और आपने एक बोतल पानी भर लिया। आप सबके घर में गंगा जल है या नहीं? हाँ या ना? किस किस के घर में गंगा जल है? है तो बताओ, जो आपके घर में गंगा जल है वो गंगा है या गंगा का अंश है? वो गंगा जल तो है लेकिन अंश जल है, वो गंगा नहीं है। वो गंगा का जल तो है पर गंगा तो अलग है ना, वो गंगा का अंश जल है। क्या है वो? अंश है। हाँ या ना? गंगा तो नहीं है ना वो। जैसे गंगा तो अलग बह रही है लेकिन एक बोतल पानी आपने भर लिया तो वो गंगा का अंश है, गंगा नहीं है। काम वही करेगा पानी, लेकिन याद रखो कि आपने एक बाल्टी पानी भरा गंगा जी का और तभी कुत्ते ने चाट लिया पानी या सुअर ने मुंह डाल दिया, तो बताओ गंगा का पानी जो बाल्टी में भरा था आपने और उसको सुअर ने चाट लिया, तो बताओ वो पानी शुद्ध रहेगा कि अशुद्ध हो जाएगा? हा? अशुद्ध। हाँ या ना? अशुद्ध हुआ लेकिन तो वो बाल्टी का पानी अशुद्ध हो गया, लेकिन सुअर चला जाए गंगा जी में डुबकियां लगाएं, 100 सुअर लगाएं डुबकियां, तो क्या गंगा शुद्ध होती है? सुअर के चाटने से बाल्टी भर पानी बिगड़ सकता है पर गंगा का पानी जो धार से जुड़ा है वो तो नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि ये अंश था इसलिए बिगड़ गया, अंशी नहीं बिगड़ा। अंशी गंगा और अंश बोतल का पानी, समझ में आई? तो हम बिगड़ते हैं, हम पाप पुण्य में उलझते हैं क्योंकि सुअर के मुंह से बाल्टी का पानी बिगड़ेगा, बहता गंगा का पानी नहीं बिगड़ेगा। तो ईश्वर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता पाप और पुण्य का, सुख और दुख का, लेकिन हम उसके अंश हैं इसलिए हमें पाप और पुण्य और सुख और दुख का प्रभाव पड़ता है। लोग कहते ना कि ईश्वर हो तो तुम्हें सुख दुख कैसा? हम ईश्वर नहीं है, हम ईश्वर के फास्ट, हम ईश्वर नहीं है, हम ईश्वर के किस तरह? जिस तरह गंगा का अंश आप सबके घर में गंगा जल के रूप में है। समझ में आई बात? तो हम ईश्वर, जो लोग कहते हैं ना हम भगवान हैं, मूर्ख हो। जो लोग कहते हैं हम भगवान हैं, मूर्ख हो। भगवान गंगा आपके घर, कितना भी आप एक ड्रम पानी ले आओ गंगा जी का, 100 ड्रम पानी ले आओ, तो 100 ड्रम पानी एक बहुत बड़ी हौदी बनाओ या स्विमिंग पूल बनाओ, उस पर आप पानी भर दो तो भी वो गंगा नहीं कहलाया जाएगा। क्यों जी? तुम कितने भी पावरफुल हो, अच्छी बात, तुम भगवान नहीं हो। तुम में चमत्कार है, तुम में शक्तियां हैं, पर तुम भगवान नहीं हो, तुम भगवान के अंश हो। यह हो सकता है कि तुम्हारे घर में गंगा जल ज्यादा है, हमारे घर में एक बोतल है, तुम्हारे घर में एक ड्रम है, किसी के घर में 100 ड्रम होंगे, पर 100 ड्रम भी मिलाओ तो वो गंगा नहीं होगा ना, वो गंगा का अंश ही रहेगा। क्यों मैया, क्या कहती हो? समझ में आ गई बात? किस किस को आ गई तो हाथ उठा लो। क्या समझ में आया? कि हम ईश्वर नहीं है, हम ईश्वर के, जब हम मरेंगे तो हमारे शरीर को लोग जला देंगे, क्या रह जाएगा? आत्मा। तो मैं कौन हूं, सवाल यहीं से तो हुआ था, आप कौन हैं? आप कौन हैं? अब आपसे सवाल है, आप कौन हैं? आप आत्मा हैं। आप कौन हैं? हाँ, जब आपसे कोई पूछे कि आप कौन हैं,
तो आप ये कहो कि हम ईश्वर के अंश हैं, और भाव कैसा हो, जैसे गंगा का अंश आपके घर में, ये उसी तरह हमारे द्वारा किया गया पाप पुण्य हम भोगेंगे। क्यों भोगेंगे? क्योंकि हम ईश्वर के अंश। अब हम छटपटा रहे हैं, जैसे गंगा का पानी आपके घर में है, लेकिन वो आपके घर में सुखी थोड़ी है। चलो एक बात बताओ, जंगल में तोते उड़ते हैं, तोता मिट्ठू, आपने कभी देखा होगा, जब मिट्ठू जाते हैं ना तो एक साथ 100-200 मिट्ठू चलते हैं। कोई भी पक्षी उड़ता है आकाश में, सवेरे सवेरे देखना, सवेरे सवेरे आकाश में एक साथ कोई धनुषाकार बनाकर, कोई अच्छा बहुत सिस्टमैटिक पक्षी एक के पीछे एक चलता है, बहुत व्यवस्थित चलता है, पता है ना आप लोगों को। और पक्षी जब जाते हैं तो बिल्कुल समूह में चलते हैं, 100-200-500 पक्षी एक साथ, हाँ या ना। तो देखो अब वो जो 500 तोते उड़ रहे थे ना, उन तोतों में से किसी एक तोते को पकड़कर एक व्यक्ति ने पिंजरे में डाल दिया। तो ये जो पिंजरे का पक्षी है तोता मिट्ठू, ये तड़प रहा है। अच्छा सोने का पिंजरा हो और खाने को आप मिट्ठू को 56 भोग रखो, क्या वो सुखी होगा? बोलो, वो सुखी कहां था? वो अपने उस परिकर के साथ सुखी था, 100-200 पक्षी जो थे वो सबके साथ उड़ना, सबके साथ बैठना, सबके साथ खाना, तब ज्यादा सुखी था वो। अपनों से क्या हो गया? बिछड़ गया, और कहां आ गया? पिंजरे में आ गया। अब वो पिंजरे में कैसा है? दुखी है। बस वही है, हम ईश्वर के अंश हैं, हम उस ईश्वर के साथ रहने वाले थे। गंगा का पानी गंगा में बह रहा था, आपने बोतल में भर लिया, मतलब आपने गंगा से अलग कर दिया। तो ईश्वर का मिलन क्या है? बोले गंगा का पानी बोतल में भर के आपने गंगा से अलग कर दिया, तो वो पानी उदास हो गया, मैं अलग हो गया अपने उस विराट से, मैं अपने उस विराट से। विराट मीन्स अथाह, गंगा में अथाह पानी है और बोतल में थाह है, जरा सा पानी है। एक होता है अथाह, एक होता है थाह। तो अथाह से अलग होके थाह भर रह गया। तो वो अथाह जो था, उस अथाह में मिलने के लिए थाह तड़प रहा, जैसे पिंजरे का पक्षी तड़प रहा है मिलने के लिए, लेकिन मालिक ने ताला लगा दिया पिंजरे में। इसलिए तो कहा प्रदीप जी ने, पिंजरे के पंछी रे तेरा दर्द न जाने कोई, पिंजरे के पंछी रे तेरा दर्द न जाने। हां तो आपको भगवान से क्यों मिलना है? क्यों मिलना है? जैसे वो तोता अपने परिकर से मिलना चाहता है, उसी प्रकार हमारा परिकर क्या है? हम ईश्वर के अंश हैं और हमारा परिकर है भगवान, भगवान से मिलना चाहते हैं ना, क्योंकि हम उसके परिवार हैं, उसके अंश हैं। तो जो जिसका अंश होगा उसी तरफ तो बढ़ता है। पानी ऊपर से नीचे गिरता है, बोलो हाँ, और आग नीचे से ऊपर जाती है, बोलो हाँ। आग दीपक जलाओगे तो उसकी ज्योति ऊपर रहेगी, जबकि पानी ऊपर होगा तो टप टप नीचे टपकेगा, नीचे पानी नीचे आता है, बोलो हाँ। मैया समझ में आ रही है कि हम बोले ही जा रहे हैं? अब आप कहोगे महाराज जी आप कथा तो सुना ही नहीं रहे हो, तो क्या तुम्हें एक राजा रानी की कथा सुनना है? ये मूल ये है जो आप समझ रहे हैं। कथा तो हम आपको राजा रानी की सुनना हो तो ढेर सुना दें। भागवत जी का ये गूढ़ रहस्य है जो हम आपको समझा रहे हैं। भागवत जी बहुत कठिन है, क्योंकि आप लोगों ने आज तक कहानियां सुनी है तो आप लोगों ने भागवत जी को कथा कहानियां मान रखी है। कहानियां नहीं है भागवत जी में, गहराई है। हम आपको गहराई पर लेके जा रहे हैं। पानी ऊपर से नीचे आता है और जबकि आग नीचे से, क्यों?
आप बताओ ऐसा क्यों होता? आग हल्की होती है तो हल्का तो बहुत कुछ हल्का होता है, पर ऊपर से नीचे आता है। तिनका में कितना वजन है? धूल, धूल का कण कितना वजनदार है लेकिन ऊपर है नीचे आता है। क्यों आप बताइए? जल ऊपर से नीचे आता है, आग नीचे से ऊपर जाती है, क्यों? सिंपल है, थोड़ा दिमाग लगेगा। हाँ, फर्क इतना है कि जो जल है तो जल का जो अंशी है वो नीचे है, तो अंशी की तरफ अंश भागता है। अभी मैंने अंशी और अंश समझाया आपको, अंशी और अंश क्या है सुना होगा आपने। ईश्वर है अंशी और हम है ईश्वर के अंश। गंगा है अंशी और बोतल का जल है गंगा का अंश। उसी तरह समुद्र है अंशी, समुद्र है अंशी और टपकता हुआ पानी है उसका अंश। तो अंश अंशी की तरफ भाग और समुद्र नीचे है तो पानी ऊपर से नीचे, जबकि आग का अंशी कौन है? सूर्य। आग का अंशी कौन? सूर्य। तो आग का अंशी ऊपर रहता है इसलिए आग की ज्योति ऊपर की तरफ भागती, क्योंकि अंश अंशी की तरफ भागता है। इसलिए हम ईश्वर के अंश हैं, इसलिए हम ईश्वर की तरफ भागे तो हम सही हैं, पर हम ईश्वर के विपरीत भागे तो गलत है। इसलिए कहते हैं भगवान की तरफ चलो, संसार को छोड़ो, क्योंकि हम संसार के अंश नहीं है, हम ईश्वर के, इसलिए ईश्वर की तरफ चलना है। हम संसार के अंश होते तो संसार की तरफ भागते, जो जिसका अंश है उसी तरफ ना भागेगा। समझ में आ गई ना बात? तो हमें ईश्वर से क्यों मिलना है? क्योंकि हम उन्हीं के परिवार हैं, हम उन्हीं के परिकर हैं, उन्हीं के अंश हैं। नदियां समुद्र की तरफ क्यों भागती हैं? क्योंकि नदियां समुद्र का ही अंश हैं। समझो, हवा किसकी तरफ भागती है बताओ? हवा किसकी तरफ भागती है? उत्तर दो। आकाश की तरफ, क्योंकि आकाश का अंश है हवा। बात समझ में आ रही? बहुत कठिन विषय है ये जो हम आपको सुना रहे हैं। मैया, ओ पंचायती मैया, ओ काली और गुलाबी मैया, हो गई पंचायत? कर लो मेरी माँ थोड़ी और। तत्व कितने होते हैं जिनसे हम बने हैं? पांच। पांचों के नाम जरा हमें याद कराओ। क्या कह रहे हो? गौ माता। पांच तत्व कौन कौन से आप बताओ, सिर्फ आप। अग्नि, वायु, हवा। वायु और हवा दो। वायु और हवा दो। बुद्धू मैया, पृथ्वी, बोलो पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, पांच हो गए। क्षित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। पांच तत्व हैं। अब आप क्या मुझे समझा सकते हैं कि ये पांच तत्व, पहला तत्व कौन सा है? पहले क्या बना होगा? पहले हवा बनी होगी कि अग्नि बनी होगी कि आकाश बना होगा कि पृथ्वी बनी होगी कि जल बना होगा?
पहले क्या बना? प्रमाण दो। वायु, वायु बनी पहले। वाव, वायु नहीं रहेगी तो पृथ्वी फट जाएगी, ठीक कह रहे हैं। तो पहले क्या बना आप बताइए? क्रम से बताइए क्या पहले बना, दूसरा क्या, तीसरा क्या, चौथा क्या। बहुत कठिन है ना ये बता पाना, लेकिन मैं आपको यूं चुटकियों में सिखा सकता हूं। हाँ अग्नि, वाह सुंदर, बहुत अच्छा बच्चा है। आप बताओ पहले क्या बना? आकाश। फिर क्या बना? वायु। क्या? जल। प्रकाश। आप बताओ, वायु पहले बनी, फिर आकाश बना, फिर पृथ्वी। अब हम बता रहे हैं ध्यान से, और याद कर लेना, ये वेदांत का बहुत कठिन विषय मैं आपको बहुत सरल बता रहा हूं। मतलब इसको आप पढ़ने जाएंगे तो इतनी सारी पुस्तक पढ़नी पड़ेगी तब आप इस नतीजे तक पहुंचेंगे। इस नतीजे तक पहुंचने के लिए बहुत पढ़ना पड़ेगा, सालों। वो सालों का जो पढ़ना था वो मैं आपको 5 मिनट में सिखा दूंगा। तैयार हैं? सुनो, सबसे पहले क्या बना? आप खड़े हो जाओ, आप यहां जाओ। अब ये बताओ कि ये बंदा कहां खड़ा है? चलो अपना हाथ घुमाओ, नहीं ऐसे ऐसे, ये हाथ कहां घूम रहा है? कहां? सही सही उत्तर दो, आप घुमाते रहो। ये हाथ कहां घूम रहा है? आकाश। ये आकाश है, आपके पेट में भी जो खाली स्थान है वो आकाश है। जैसे ये छत पड़ी और ये पृथ्वी के बीच में जो बीच का भार है वो पूरा क्या बोला जाएगा? तो ये हाथ कहां घूम रहा है? ये हाथ इनका घूम रहा है आकाश में। और जैसे ही हाथ घूम रहा है तो क्या प्रकट हो रही है? हवा निकल रही है। इनके हाथ के पास जाओगे, थोड़ा तेज घुमाओ, अरे एक घुमा लो भैया, एक घुमाओ, ऐसे हाँ ऐसे घुमा। अब क्या निकली? हवा निकली। तो पहले आकाश, फिर आकाश से वायु, और घुमाओ घुमाओ। जब वायु तैयार होगी तो इनका हाथ गर्म होगा, होगा कि नहीं? आपको आपको गर्मी महसूस लगेगी, आप गर्म हो जाएंगे, और जब गर्म होगा तो अग्नि प्रकट हो गई। तो आकाश से वायु, वायु से अग्नि, और जब अग्नि, जब इनकी आग जलेगी तो इनको पसीना आएगा, तो आग से जल, और जब पसीना आएगा तो शरीर का मैल छूटेगा, वो पृथ्वी तत्व है। बैठ जाओ। समझ में आई बात? सबसे पहले तैयार हुआ आकाश, सबसे पहले तैयार हुआ आकाश, आकाश से वायु, क्योंकि आकाश में वायु, इसलिए वायु ऊपर की तरफ भागती है, क्योंकि आकाश खाली स्थान पर वायु रहती है ना? आकाश से वायु, वायु से जोर से वायु से अग्नि, फिर अग्नि से जल, क्योंकि पहले आपकी बॉडी गर्म होती है तब पसीना आता है, तो अग्नि से जल, हाँ या ना? और फिर जल आया तो पृथ्वी, इसलिए पृथ्वी का आधार जल है। लोग कहते हैं पृथ्वी का आधार क्या है? पृथ्वी शेष भगवान पर टिकी है, और मूल आधार क्या है? जल। कैसे जल हो सकता है? अच्छा एक बात बताओ, पानी के ऊपर आपने कमल का पत्ता डाला, पत्ता कमल का,
और कमल के पत्ते पर आपने माटी का एक छोटा सा ढेला डाल दिया, तो बताओ क्या वो पानी उस माटी के ढेले का कुछ बिगाड़ पाएगा? क्योंकि मूल में क्या है? कमल। और भगवान नारायण की नाभि से क्या निकला? कमल। उस कमल में ब्रह्मा जी प्रकट हुए। जिस कमल पर ब्रह्मा जी बैठे हैं, उस कमल की जो पंखुड़ी है, उस पंखुड़ियों पर ऐसी करोड़ों पृथ्वियां हैं, करोड़ों ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। तो ये पानी आधार है, पर कमल की पंखुड़ी आधार मान सकते हैं, लेकिन कमल की पंखुड़ी का आधार तो जल है, और वो कमल की पंखुड़ी का आधार मूल में भगवान है, क्योंकि नाभि से कमल निकला है। बात समझ में आई? जैसे एक छोटा सा माटी का ढेला पड़ा रहता है ना कमल की पंखुड़ी पर, कुछ नहीं बिगड़ा, ऐसे पूरी पृथ्वी जरा से माटी के ढेले की तरफ पड़ी है, जरा से माटी के ढेले की तरह पड़ी है। ये बहुत बड़ा विज्ञान है। आज तक इस गहराई तक पहुंच पाना वैज्ञानिकों के लिए बड़ी टेढ़ी खीर है, टेढ़ा काम है। ये पांच तत्व से आप बने हैं, और इन पांच तत्वों में पांचों का जनक कौन है? वैसे पांचों तत्वों को प्रकट करने वाले भगवान हैं। मूल में तो भगवान है, पर भगवान ने पहले पहले क्या 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 कैसे कैसे बनाया, वो सब विधान है। तो मूल में हम आपको केवल ये समझा रहे थे कि हम ईश्वर के अंश हैं, इसलिए ईश्वर से मिलने के लिए बेचैन होते हैं भक्त, और जो संसार में भटक जाते हैं वो परेशान होते हैं। तो आपके अंशी हैं भगवान, इसलिए चलो भगवान की ओर। इसलिए तो कहो, क्या कहना? हाँ, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव। हम भगवान के हैं ना इनके। अब हमारे भगवान कैसे दिखते होंगे? ऐसे लिखा भगवान कैसे दिखते हैं वैसा बना दिया आकृति। लो, इसलिए सुखदेव भगवान ने जन्म लिया, और जन्म लेते ही भगवान को पाने के लिए निकल पड़े, उन्होंने देर नहीं लगाई। ऐसे सुखदेव भगवान को नमस्कार करते हैं। 88,000 संतों के बीच में सूत जी आए, शौनक आदि ऋषियों ने प्रश्न किया, हमें कथा सुनाओ। कहा अच्छा सुनाते हैं। प्रीति ही सौनक चित्ते ते यतो वच में विचारी चा। अब मैं सारे शास्त्रों का सार सुनाता हूँ, सुनो। एक बार सुखदेव भगवान जब राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे, इंद्र अमृत का कलश लेकर आए, पर सुखदेव भगवान ने उन्हें अधिकारी नहीं समझा और वहां से विदा किया। कहा कि कांच का टुकड़ा लेकर हम मणि कैसे दें? क्वा स्वधा क्व कथा लोके क्व कांचा क्व मणिर्महान। इंद्र ने कहा कि एवं विनिमय जाते सुधार आज्ञा प्रपीयताम, बदल लो। सुखदेव भगवान ने कहा नहीं। जब 7 दिन की कथा से परीक्षित का उद्धार हुआ, तब इंद्र ने तराजू बांधी और भागवत जी को तौल कर देखा कि स्वर्ग के सुख ज्यादा वजनदार हैं या भागवत जी में ज्यादा बल है। तो भागवत जी को तौल कर देखा, इंद्र के स्वर्ग का सुख फीका पड़ गया और भागवत जी का पलड़ा भारी था। भागवत जी की बराबरी स्वर्ग के सुख नहीं कर सकते, मतलब भागवत जी की महिमा स्वर्ग के सुख से ज्यादा है। स्वर्ग का अमृत पीने से अमरता मिलती है, अमरता मिलती है, पर कथा अमृत पीने से भगवान ही मिल जाते हैं, और भगवान को मिलने के बाद अमरता का क्या काम? तब कथा अमृतम, कथा ही अमृत। एक बार भक्ति महारानी ने भी भागवत सुनी। नारद जी महाराज सारे तीर्थों में भ्रमण करते रहे, शांति नहीं मिली। तब नारद जी वृंदावन आए,
और वृंदावन में कन्या को उदास देखा। वो कन्या कौन थी? भक्ति महारानी। एक बच्चा इस तरफ सो रहा था, एक बच्चा इस तरफ। कौन था वो? भक्ति के कितने बेटे हैं? भक्ति के कितने बेटे हैं? दो। कौन कौन? ज्ञान और वैराग्य। भक्ति के दो बेटे हैं, ज्ञान और वैराग्य। इसलिए भक्ति जब होगी तो ज्ञान वैराग्य आ ही जाएगा। मीराबाई जब भक्त बनी तो ज्ञान आ गया। ज्ञान जाएगा कहां? कहां जाएगा? जहां पानी, जहां घड़े में पानी होगा वहीं तो सूर्य का प्रतिबिंब होगा। उसी प्रकार जहां भक्ति होगी वहीं ज्ञान का प्रतिबिंब होगा, वहीं ज्ञान होगा, वहीं वैराग्य होगा, स्वाभाविक। तो भक्ति ज्ञान विराग आप्तो विवेको वर्धते महान। ऐसी कथा सुनाओ कि हमारी भक्ति ज्ञान वैराग्य बढ़े। भक्ति के दो बेटे मूर्छित पड़े, भक्ति उदास पड़ी। एक दिन नारद जी आए, नारायण नारायण। भक्ति महारानी क्या हुआ? भक्ति बोली, महाराज जब से कलयुग आया मेरे बच्चे दुखी, मैं परेशान हूं। मैं द्रवण उत्पन्ना द्रवणे साहम, मैं बड़ी कर्नाटक में वृद्धिम कर्नाटके गता, क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। मैं कहां जाऊं महाराज, मैं बड़ी परेशान हूं। भक्ति रोई। नारद जी बोले, अच्छा तुम बड़ी दुखी हो? बोले, कलयुग में पाप के सिवा क्या है? चारों तरफ पाप, सत्यम नास्ति तपः शौचम दयादानम न विद्यते उदरम भरिणो जीवा बरा काह कूट भाषिणा। कलयुग में क्या है? सत्य का मानो नाश हो गया। सत्यम नास्ति, ना कोई तप बचा ना कोई सत्य। शौच तक, पवित्रता तक नहीं बची। आज के जमाने में लोग बिना नहाए सर्दियों में दो दो तीन तीन दिन गुजार देते हैं। आप लोग नहीं नहाते सर्दियों में? लघु शंका जाने के बाद आप लोग क्या क्या करते हो? हाथ पांव धोते हो, सही बताओ? और शौच करने के बाद नहाते हो, सही? आज बुखार है फिर भी नहाए, घर पे भी रोज नहाते हो? आप जी नहाते हो? शौच करने के बाद नहाते हो? आप जी नहीं नहाते? क्यों नहीं नहाते? नियम देखो, ये वैश्विक नियम है, ये बहुत ज्यादा, ये तो जन्म से हम लोगों को माँ बाप को देखते देखते संस्कार आ ही जाता है। लघु शंका जाओ तो चार कुल्ला करना चाहिए, हाथ मुंह धुलना चाहिए लघु शंका के बाद, और शौच करने के बाद पूरा स्नान कर चुके हो तो अर्ध स्नान करना चाहिए, और पहने हुए कपड़ों को गीला करना चाहिए। कम कपड़े पहन के जाओ शौच करने के लिए। पूरा स्नान ना करो तो अर्ध स्नान करो, स्नान करके ही शुद्धि होगी। अब अच्छा बताओ, आपको क्या लगता है? आपको, महाराज जी हम तो शौच करने गए थे और इसके बाद हाथ धुल लिए, हो गया ना? केवल हाथ धुलने से शुद्धि नहीं होती, शौच के बाद तो स्नान किए बिना शुद्धि नहीं होती। आजकल लोगों की बुद्धियां क्यों बिगड़ी हैं? क्यों इतना टेंशन है? क्यों अशांति है? क्योंकि पवित्रता नहीं है। अच्छा, मच्छर और मक्खी कहां होते हैं? अच्छी शुद्धि में कि अशुद्धि में? हाँ, तो जब आप अशुद्ध रहेंगे तो आपको नेगेटिविटी पकड़ेगी, नकारात्मकता पकड़ेगी। जब आप शुद्ध रहेंगे तो आपके पास नकारात्मकता नहीं, पॉजिटिविटी आएगी, सकारात्मकता आएगी, क्योंकि आप शुद्ध हैं। मच्छर भी अशुद्धि में जाता है, ऐसी नेगेटिविटी भी अशुद्धि में। ये नियम था, ये बताने की चीजें नहीं है, पर भी हम आपको बता रहे हैं। बच्चों को सिखाओ, आप सीखो। आप अत्यधिक वृद्ध हो गए हैं, आप बीमार हैं, वो अलग विषय है। कभी कभार बीमार बच्चे और बूढ़ों को दोष नहीं लगता। देखो, बच्चे तो माँ की गोद में छिछी कर देते हैं, बच्चों का दोष नहीं है। बच्चों का तो माँ केवल साफ कर देती है और साफ करके कपड़े पहना देती है, उसमें कोई दोष नहीं। बच्चे हैं वो, बच्चे हैं। लेकिन जब आप बड़े हो गए, आप 10 वर्ष के हो गए, तो हमारे यहां तो छोटे 5 साल का, सबसे छोटा बच्चा हमारे यहां 5 साढ़े 5 साल का है,
वो भी शौच करने जाता है तो स्नान करता है, 5.5 साल का बच्चा भी। जैसी राख है शुद्धि वैसी बने बुद्धि। इसलिए आजकल बुद्धियां भ्रष्ट क्यों हैं? इसका मूल आप मानो ना मानो पर शुद्धि से बुद्धि का संबंध है, वरना यह कहावत क्यों बनती कि जैसी शुद्धि वैसी बुद्धि, जैसा अन्न वैसा मन, इनका इफेक्ट तो है, इसलिए बातें कही जाती हैं। आपको ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, आप नहाते नहीं हो और आप उसी हाल में अपनी रसोई में चले जाते हो, उसी हाल में रहते हो, तो आप बहुत अशुद्ध हैं। फिर तो आप बहुत जल्दी हर गलत चीज के शिकार हो जाएंगे। हर देखो, प्रकृति में हवा 2 प्रकार की होती है, एक अच्छी हवा एक बुरी हवा। ये जो भूत प्रेत हैं क्या है? ये भूत प्रेत ना एक नकारात्मकता को बोला जाता है। भूत मतलब कोई भूत नहीं कि कोई आ गया और तुम्हें चढ़ गया और तुम्हारे ऊपर आ गया, वो वाला भूत नहीं। भूत के बहुत मतलब होते हैं, जैसे भूतपूर्व प्रधानमंत्री, भूतपूर्व सरपंच, ये भी तो भूत ही हैं, भूतपूर्व पार्षद, ये सब भूत ही तो हैं। अब इनके सारी जिंदगी भूत नाम ना छोड़ेगा, अब इनके द्वार पर भी लिखा है भूतपूर्व, ये भूत है। तो एक तो ये भूत होते हैं, एक भूत वो होते हैं भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब एक भूत वो, तो ये सब भूत हैं। एक भूत ये होते हैं, नकारात्मकता को भी भूत मान लो आप, गलत विचार भी एक भूत ही हैं। भाई लोग नहीं कहते कि इसको तो भूत सवार है, गांव में सामान्य भाषा में बोला जब कोई बच्चा जिद कर लेता है, जैसे एक लड़के को एक लड़की से प्यार हो गया, माँ बाप ने समझाया बेटा वो लड़की अच्छी नहीं है, शादी मत कर, नहीं मानता, फिर माँ बाप क्या, वो इसे तो भूत सवार हो गया है, इसे तो भूत सवार। तो ये भूत उन्हीं पर सवार होता है जो अशुद्धि से रहते हैं, जो शुद्धि से रहते हैं उन पर भूत सवार नहीं होता। तो भूत कई प्रकार के होते हैं, वो मैंने आपको बताए। हठ भी एक प्रकार का भूत है, हठ, बाल हठ नहीं होता, स्त्री हठ होता, बाल हठ होता, राज हठ होता, ये हठ भी एक भूत है, भूत सवार है भाई। इसलिए शुद्धि पवित्रता, बाहर भी पवित्र हो आप और भीतर भी पवित्र हो, विचार भी पवित्र हो और बॉडी भी पवित्र हो, हाँ या ना? इसलिए आपको नहाना चाहिए और ये सब प्रॉपर होना चाहिए। आजकल लोगों की शुद्धि बिगड़ गई साहब, इसलिए बुद्धियां बिगड़ गई, वरना इतनी बुद्धि पहले भ्रष्ट नहीं थी, क्योंकि पहले शुद्धि थी। जब आप किसी के अर्थी पर जाते हो, शव यात्रा पर, तो आते हो तो नहाते हो? क्यों नहाते हो? अशुद्धि है भाई, मरा हुआ व्यक्ति है, शव यात्रा में आप गए हैं तो आप अशुद्ध हो गए हैं। आप तब तक शुद्ध नहीं होंगे जब तक आप स्नान नहीं करेंगे, वो नियम है। उसी तरह आप शौच करने गए हैं, आप भले तुम कितने भी बड़े पंडित बने रहो, कितने भी पढ़े लिखे और होशियार बने रहो, पर जब तक स्नान नहीं करेंगे तब तक शौच के बाद आप शुद्ध नहीं होंगे, तब तक शुद्ध नहीं होंगे जब तक आप स्नान नहीं कर लेते। आप शौच करने गए हैं तो स्नान जरूर कीजिए, इसके बिना आप शुद्ध नहीं हो सकते। जैसे शव यात्रा पर जाने के बाद घर आने पर आप स्नान करते हैं तब आप शुद्ध होते हैं, ऐसे आप जब तक स्नान नहीं करेंगे तब तक आप शुद्ध नहीं होंगे। शौच से केवल हाथ धुल लेना शुद्धि नहीं है साहब, हाथ पांव धुलना तो लघुशंका के बाद शुद्धि है, समझ गए ना?
अन्न शुद्ध कैसे होगा? अन्न आप बताओ, अन्न को कैसे शुद्ध किया जाता है? धुल के। आप बताओ, धुल के। आप बताओ मैया, आप बताओ अन्न को कैसे शुद्ध किया जाता है? मेरी मां दातून कराती हूं अन्न को। अन्न कैसे शुद्ध होता है? हाँ, हाँ धोके। हाँ सब चीजों की शुद्धि का विधान अलग है। जैसे आपके घर सूतक होता है ना, तो आप कपड़े पहनने वाले कपड़े धुलते हैं, लेकिन रजाई गद्दे नहीं धुलते। क्यों? क्योंकि जो पहनने वाले कपड़े हैं वो धुलने से पानी के स्पर्श से शुद्ध होते हैं, जबकि जो गर्म कपड़े होते हैं वो हवा के स्पर्श से ही शुद्ध हो जाते हैं। किसी चीज को हवा शुद्ध करती है तो किसी चीज को जल शुद्ध करता है। बताओ गोल्ड को कौन शुद्ध करता है? सोने को। सोने को कौन शुद्ध करता है? आग। सोने को आग। जैसे सोने को आग ही शुद्ध कर सकती है, हाँ या ना? सुनार पीटता रहे पर आग में न डाले। सोने को आग शुद्ध करती है, गर्म कपड़ों को हवा शुद्ध करती है, रोजमर्रा के कपड़ों को पानी शुद्ध करता है, ऐसे ही आपको शुद्ध करने वाला सांच के बाद जल होता है जो आपको शुद्ध करता है। इसलिए शुद्धि। अन्न को कौन शुद्ध करता है? आग। आप कह रहे हैं आग, उत्तर गलत है। अन्न को शुद्ध कौन करता है? जब आपका अन्न बन जाए और जब वो अन्न का भोग भगवान को लग जाए और किसी भूखे को निकल जाए तो वो अन्न शुद्ध हो जाता है। तुम ही निवेदित भोजन करें, भगवान को भोग लगते ही अन्न शुद्ध होता है। भोग क्यों लगाना चाहिए? क्योंकि बिना भोग लगाए आप जो खाएंगे वो अशुद्ध है। वो भले वो दाल रोटी हो, पर वो दाल रोटी भी मांसाहार की तरह है, क्योंकि आपने शुद्धि नहीं की। शुद्धि कैसे होगी? थाली निकालो, दाल चावल सब्जी रोटी निकालो, तुलसी पत्ता डालो, भगवान जी को भोग लगाओ, और दाल को दाल में, सब्जी को सब्जी में, रोटी को रोटी में रखो, पूरा भोजन प्रसाद हो गया, वो शुद्धि हो गई। भोग लगते ही शुद्धि होती है, हाँ या ना? इसलिए बिना भोग लगाए नहीं खाना चाहिए। और भोग लगाने के बाद हमारे यहां पहली रोटी गाय की, अंतिम रोटी कुत्ते की, मतलब गऊ को दान रोटी का दान, कुत्ते को दान रोटी का दान। दान करने से अन्न की शुद्धि होती है। भोजन बन जाए तो पहले देख लो द्वार के बाहर कोई भूखा प्यासा तुम्हारे दरवाजे में बैठा तो नहीं है। यदि बैठा है तो पहले रोटी उसे दो, वो खाएगा तब आपकी शुद्धि होगी। जैसे तेरी होती है, तुम्हारे पिताजी, तुम्हारी माँ, तुम्हारे दादा, तुम्हारी दादी की मृत्यु हुई तो तेरी का भोजन कब शुद्ध होता है? उत्तर दो। हाँ तेरी वेरी तेरी होती है कि नहीं आप लोगों के यहां? तो तेरी का भोजन कब शुद्ध होता है? हाँ तेरवी का भोजन तब शुद्ध होता है जब उसका भोग लगे, और पहले 13 ब्राह्मण भोजन करें। ब्राह्मणों के खाते ही वो प्रसाद शुद्ध होगा, फिर वो आपके परिवार और समस्त लोग खाएंगे। पर आजकल मर्यादा इतनी भ्रष्ट हो गई है कि 13वीं में पहले ब्राह्मण नहीं खाते, पहले लोग आके खाते हैं, परिवार के लोग, घर वाले पहले ही भर लेते हैं ठूस ठूस के, फिर पंडित जी आए तो खाए पिए। ये सब मतलब सारी मर्यादाएं खत्म हो गई। अब कोई इसलिए लोगों को फल भी नहीं मिलता चीजों का। पहले तुमने खा लिया तो वो झूठा हो गया, विधान नहीं है पहले खाने का। हाँ छोटे छोटे बच्चे मुंह के हैं दे दो, उनका दोष नहीं है,
पर जो घर का मुखिया है, रिश्तेदार है, आजकल तो रिश्तेदारों को भी जरा देर का सब्र नहीं होता कि थोड़ा सब्र करे, आए पहले खाने पर टूटते हैं, कोई खाया नहीं खाया उन्हें कोई मतलब नहीं। एक देखो जो परंपरा है ना वो फॉलो होनी चाहिए, जो मर्यादा है वो फॉलो होनी चाहिए। तेरवी मैं पहले ब्राह्मण बुलाओ, ब्राह्मणों के पहले पांव धोलो, पांव धो करके उन्हें पवित्र आसन पर बिठाओ, और जो भी बनाया गया है दाल चावल पूड़ी सब्जी खीर मीठा जो भी वहां पर पूड़ी सब्जी बनती है उस समय, तो वो सब बने पक्का भोजन, और वो फिर ब्राह्मण पहले पाए। और ब्राह्मण तेरहवीं में जब भोजन करते हैं ना तो पहले एक रोटी एक पूड़ी थोड़ी मिठाई थोड़ी सब्जी थोड़ा जो भी है सब कुछ निकाल के उस मृत आत्मा के लिए मृत व्यक्ति के लिए अलग निकालते हैं, वो ले जा करके गाय को खिलाया जाता है, वो गाय खाते ही वो पितर तृप्त होते हैं। ये विधान है, अब विधान का नियम का पालन होते ही नहीं आजकल, सब फैशन में है, सब खड़े खड़े खा रहे हैं, चप्पल पहन के खा रहे हैं, जूते, इतना भी विकास ठीक नहीं है कि तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, सब परंपराएं नष्ट हो गई ना इससे। खड़े खड़े खाने का, खड़े खड़े कुत्ता खाता है आजकल, तो खड़े खड़े लघु शंका भी करते हैं, कुत्ता खड़े खड़े मूतता है, ऐसे तुम भी कुत्तों की तरह खड़े खड़े, ये सब कुत्तों वाले आचरण आ गए हैं, इंसानियत कहां रही, इंसानों वाले सब खत्म है। अब पैंट पहनोगे तो कुत्तों की तरह करोगे, तुम्हारे बाप दादे धोती पहनते थे तो बैठ करके लघु शंका करते थे, धोती पहनना सही है पैंट पहनना गलत है, लेकिन अब समझाए कौन, जो समझाए वो मूर्ख है। आज के युग में तो कहो कि भाई पैंट ना पहनो तो वो बड़ा कठिन काम हो जाएगा, लेकिन आज के इस कठिन काम को भी ये दास अनिरुद्ध, हम तो धोती ही पहनते हैं, धोती वो देखो बगल बंदी, ये जो हमारा पहनावा ना साहब, ये भारतीय पहनावा है, हाँ या ना, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं, जो हमने पहन रखा है ये देखो, हमने जो पहनना है, ये क्या पहन रखा है ये देखो, यहां से खुलता है ये इस तरह, यहीं से बंद होता है, यूं खुल जाता है यूं बंद हो जाता है, ये भारतीय पहनावा है, हाँ या ना। ये तो आप भारत में रहते जरूर हैं, पर भारत के मर्यादाओं को, भारत के जो परंपरा है वो परंपरा तो नष्ट हो रही है ना। हम आपसे कहेंगे कि आप केवल संडे के संडे 6 दिन आप पैंट शर्ट पहनिए, पर संडे के संडे आप धोती कुर्ता पहनिए, माथे पर तिलक लगाइए, भारतीय वेशभूषा में रहिए, कहीं भी रहिए, भाई आज हम भारतीय वेशभूषा में रहेंगे, ये हमारी वेशभूषा है संडे के संडे। आप लोगों ने अपने दादा पर दादा नाना को देखा होगा धोती कुर्ता में, देखा कि नहीं, उसके बाद आप किसको देखा अपने धोती कुर्ता में, केवल दास अनिरुद्ध को आपने देखा होगा, और भी जो परंपरा बचाए हैं बेचारे उन लोगों को देखा होगा, कम लोग हैं, मतलब उंगलियों में गिन सकते हैं आप धोती कुर्ता वालों को, हाँ हाँ आपने पहन रखी, घर पर भी पहनते हो कि यही, बस संडे के संडे पहना करो, कोशिश करो कि संडे के संडे आप शॉपिंग करने जाएंगे तो भी धोती कुर्ता पहन के जाएंगे, मॉल पर जाएंगे तो धोती, क्यों जी, क्या अपने वेशभूषा से प्यार नहीं करना चाहिए, क्या अपनी संस्कृति को छोड़ देना चाहिए। मेरे नौजवान भाइयों, ये संस्कृति हमारी कौन फॉलो करेगा, हम नहीं करेंगे तो क्या पाकिस्तानी धोती कुर्ता पहनेंगे क्या, अरे हमारी संस्कृति है तो हम ही ना फॉलो करेंगे। संडे के संडे आपको धोती कुर्ता पहनना चाहिए, कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं, आप नहीं है, हाँ? भाई देखो धोती पहनना, आप कह रहे हैं देखो जो चीज नहीं आती ना वो कठिन होता है, अब हम लोग तो 12 महीने पहनते हैं, हम तो धोती पहन के खेलते हैं कूदते हैं एक्सरसाइज करते हैं क्रिकेट खेलते हैं गायों की सेवा करते हैं माओं की सेवा,
जब आप पहनने लग जाएंगे तो आपको सरल हो जाएगा। अभी माना कि आपको कठिन है, और कठिन काम करने वाले को ही तो भारतीय कहते हैं। हमारा तो पहनावा इतना कठिन है कि दुनिया के लोग पहनावे को कॉपी नहीं कर सकते। हमारा कल्चर कॉपी भी नहीं हो सकता, किसी के बाप में दम नहीं है कि वो हमारी संस्कृति को कॉपी कर ले, इतना कठिन है साहब। इसलिए तो विश्व गुरु भारत रहा है, अमेरिका नहीं रहा, जापान नहीं रहा, लंदन नहीं रहा, पेरिस नहीं रहा, विश्व गुरु भारत, क्योंकि भारत कठिन काम करता है। अब साधु लोग साधना करते हैं, ये कोई सरल काम है? फिर स्वामी विवेकानंद जी ने जो किया वो सरल था क्या? रामकृष्ण परमहंस जी ने जो किया वो सरल था क्या? तुलसीदास जी, सूरदास जी, रैदास जी, रसखान, मीराबाई, गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु नानक देव जी, ये जिन्होंने इन्होंने जो किया वो सरल था क्या? कठिन था ना भैया? हाँ, इसलिए धरा ये जिस पर घूम रही हम उसी केंद्र के बिंदु हैं। गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं। अपने अच्छे चरित्र पर, अपने अच्छी वेशभूषा पर, अपनी सनातन संस्कृति पर, अपनी भाषा पर, अपनी भारतीय भाषा पर गर्व करना चाहिए। हम भारतीय, ये शर्म की बात नहीं है, गर्व की। आज आप धोती कुर्ता पहने हैं, ये आपके लिए गर्व की बात है। माथे पर तिलक है, गले में तुलसी की माला है, ये गर्व का विषय है। सिखा हो आपके बच्चे पोयम याद ना करें, भगवत गीता के श्लोक याद करें, रामचरितमानस की चौपाइयां याद करें, ये बच्चों के लिए गर्व की बात है, उनके माँ बाप के लिए गर्व की बात है। आजकल कोई आता है तो आप क्या, वो बेटा पोयम सुना, पोयम पोयम क्यों सुनाओ, गीता के श्लोक क्यों नहीं सुनाओ, रामचरितमानस की चौपाइयां क्यों नहीं सुनाओ, सुनाओ, याद कराओ बच्चों को चौपाई रामचरितमानस। बेटा कोई आए, चलो रामचरितमानस की चौपाई सुनो, चलो भगवत गीता का श्लोक सुनाओ। हमारी अब पोयम याद कराने को आप गौरव मानते हो, और जो भगवत गीता हमारी, वो गीता जो भगवान की वाणी है, उसे आप बच्चों को याद नहीं कराते? वो अदालतों में रखी है, मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, गीता पर हाथ रख के कसम खाता हूं। अरे कसम खाने के लिए गीता नहीं है, समझने के लिए गीता है, जीवन में उतारने के लिए गीता है। कसम तो कोई, कसम तो बेटा मां की झूठी खा जाएगा खाने वाले, तो गीता की कसम झूठी खाने में क्या दिक्कत है उनको, है ना मेरी मां? इसलिए अपनी भारतीयता को, मैं भारतीयता से समझौता नहीं करना चाहता। आप आज 21वीं सदी में रहो, आप मॉडल बनो, आप आज के बच्चे बनो, आज की तरह बोलो, आज की तरह रहो, लेकिन आज की तरह रहने में हम देखो धोती कुर्ता में भी आज की तरह रहते हैं कि नहीं। हम अपनी संस्कृति को भी लेकर चलें और आज की आधुनिकता को भी लेकर चलें, इसमें क्या बुराई है? हाँ अच्छा है। ये बताओ कि आज 21वीं सदी में, आज के समय में आप रहें और अपनी मूल परंपराओं को लेकर चलें, इसमें नुकसान क्या है भाई? आज के नाम पर ये तो नहीं कि हम अपनी संस्कृति छोड़ दें, 21वीं सदी के नाम पर ये तो नहीं कि हम आजकल फटे कपड़े पहनते हैं लड़के लड़कियां, जींस फटा है, क्या है ये, फैशन है, आग लगे ऐसे फैशन में, जिसको ढकना था वो ही दिख रहा है, वो कह रहे हो फैशन है, ये फैशन है, कपड़ा पहनता है आदमी शरीर को ढकने के लिए, लेकिन आजकल तो दिखाया जाता है, वो कहते हम कपड़े पहन रहे हैं, मतलब मर्यादाएं सब खत्म हो गई, फटे कपड़े पहनना वास्तु के हिसाब से गलत है, दरिद्रता आती है फटे कपड़े पहनने से, फटे कपड़े पहनने से क्या आती है, इसलिए सुई धागा रखो, यदि फट गया है, देखो गरीबी है वो अलग विषय है, गरीबी है तो आप सिल लो, सिल लो, सिल के पहनो, फटा है अलग, देखो फट जाता है, हमारा कपड़ा फट गया हमने सुई धागे से सिल लिया, क्या बुराई है?
सिलकर फटा कपड़ा पहनना दरिद्रता को निमंत्रण है। अब ये बच्चों को, जहां भी तुम्हें कोई बच्चा, जहां भी तुम्हें आज के बच्चे फटे कपड़े में मिल जाएं, तुरंत सुई धागा पकड़ा, बेटा बहुत गरीब हो, ये सुई धागा हमारी तरफ से ले लो, फटे कपड़े तो मत पहनो। ये फटे कपड़े तो ना पहनो, कम से कम सुई धागा गिफ्ट करो। हाँ, आजकल बच्चों के जन्मदिन में आप जाया करो और जो फटे कपड़े पहने उनको सुई धागा गिफ्ट किया करो। ये ले बेटा, बहुत गरीब हो, फटे कपड़े पहन। पहले तो गरीब आदमी पहनता था फटे कपड़े, अब तो धन्ना सेठ पहन रहे हैं फटे कपड़े फैशन के नाम पर। ये बताओ क्या हुड़दंग मचा रखी है भाई। जो मन में आ रहा आदमी वो करे जा रहा है, वो किए जा रहा है। पैंट पहनना, मैं पैंट के नुकसान बताऊं आप हंसेंगे। हमारा देश गर्म है, हमारे भारत में सर्दी 4 महीने की है, 8 महीने की गर्मी है। बोलो हाँ या ना, हाँ कि ना। धोती होती है मस्त पतली, हवा पूरी पार होती है, और जींस पहनने के बाद ना पूरा आपको खुजली हो जाती है, लेकिन फिर भी आप लोग मूर्खतापूर्ण पहनते हैं। खुजाए जा रहे हैं, खुजलाए जा रहे हैं, छोड़ना नहीं, पहनना नहीं छोड़ा। ये नहीं कि धोती पहने हवा लगे बढ़िया, फैशन के नाम पर मरेंगे, भले बीमार भले पड़ जाएं। धोती बढ़िया, कॉटन की पतली सी धोती बढ़िया पहनो गर्मी में। जींस पहनना इतना मोटा, पसीना पसीना पहला। दूसरा, आप जींस पहनने वालों को देखेंगे, जब वो झुकते हैं ना तो उनका जींस पीछे से, उनका पूरा अंग दिखता है, इतना अमर्यादित लगता है। मूर्खों को क्या कहें हम, धोती पहनेंगे तो मर्यादा में रहेंगे आप। धोती मर्यादित है, पैंट जींस पहनने वाले लड़कों को देखना, यदि ये झुक जाएं, जैसे घर में कोई बाप दादे आए ना, बड़े बूढ़े आए और झुक के प्रणाम करते तो ये झुकेंगे, और पीछे कोई बहन बेटी खड़ी हो तो वो मुंह छिपा लेती है, आंखें बंद करनी पड़ती है। हाँ या ना। फिर ये पुरुष, ये लड़के लोग समझते हैं मैं होशियार हूं, तुम ही होशियार हो क्या, मूसर हो भाई। मर्यादा मतलब मर्यादा, आजकल तो लड़कियां भी पहनती हैं जींस, मर्यादा में रहा करो। तुम्हें पता नहीं होता, जब लड़का झुकता है ना तो उसे पता नहीं होता कि हमारा जींस कितने नीचे जा रहा है और हमारी टी शर्ट कितने ऊपर आ रही है, लेकिन आपको नहीं दिखता तो आप दूसरों को देखकर सीख तो सकते हो। मर्यादा मतलब मर्यादा, सब लोग मर्यादा में रहे तो क्या बुराई है बताइए। जो हम कह रहे हैं वो बात सही है कि गलत है, सही है। लड़के लोग जब झुकते हैं तो उनका जींस नीचे की तरफ आता है कि नहीं, फिर और यही सोचो कि कोई लड़की यदि जींस पहने है और यदि उसने ध्यान नहीं दिया तो कितना अमर्यादित हो जाएगा। इसलिए क्यों अपनी इज्जत सरेआम तुम बाजार में बेच रहे हो। कपड़े पहने क्यों जाते हैं, शरीर को ढकने के लिए। भाई कपड़ों का मूल उद्देश्य क्या है, जोर से, कपड़ों का मूल उद्देश्य है शरीर को ढकना। अब जिस कपड़े से शरीर ढके ही ना वो फिर कपड़ा कैसा। हमारी भारतीयता ठीक थी, अनिरुद्धाचार दुपट्टा डालता है, मर्यादा है। आजकल तो लड़कियों ने भी दुपट्टे डालने छोड़ दिए। हम तो मर्यादा में रहते। आपने गांव के किसान को देखा होगा, वो गमछा डालता है कंधे पर, हाँ या ना।
पुरुष के कंधे पर भी गमछा होना चाहिए, ये अंग वस्त्र है, दुपट्टा ये मर्यादा है। पुरुष को भी पीताम, भगवान कृष्ण क्या डालते हैं, पीतांबर, इसको पीतांबर बोलते हैं, पीला जो भगवान डालते उसको पीतांबर बोलते हैं, पीत वस्त्र कंधा। धोती आप डालेंगे तो धोती के संग दुपट्टा आता है, दुपट्टा डालना चाहिए, मर्यादा है। आपने अनिरुद्धाचार्य को हमेशा दुपट्टे में देखा होगा। हम देखो पूरी बात छोटी सी है साहब, लेकिन बात भारतीय है, हम भारत के हैं ना, इसलिए भारत की बात कहते हैं। हम पुरुष होकर के हम दुपट्टा डालना मर्यादा समझते हैं, इसलिए आजकल तो हमारी बहनों को दुपट्टा डालना बोझ लगता है। मेरी बहनों, आपने दुपट्टा डालना चाहिए, मर्यादा सबके लिए है। हम अपना शरीर किसे दिखाना चाहते हैं और क्यों दिखाना चाहते हैं? सामने वाला आपको देख करके क्या रिएक्ट करेगा? क्या आप उसके अंदर के शैतान को जगाना चाहते हैं? इसलिए पुरुष भी मर्यादा में रहे और स्त्री भी मर्यादा में रहे। इसलिए धोती के ऊपर कुर्ता होता है, कुर्ता लटकता होता है पीछे से, आप कितना भी झुकेंगे फिर वो आपका पीठ दिखेगी नहीं, हाँ है ना? कपड़े थोड़े ढीले ही होने चाहिए, थोड़े से, बिल्कुल चिप, आजकल क्या फैशन है, चिपका हुआ कपड़ा, चुस्त कपड़ा, ये अंग प्रदर्शन है। फिर ये क्या है? अंग प्रदर्शन है। अब आपको अंग ही प्रदर्शन करना है तो फिर आप हमारी बात से सहमत क्यों होंगे? और आपको मर्यादा में रहना है तो आप हमारी बात से सहमत होंगे? इसलिए समझदारी सबको चाहिए। तो धुंधकारी भगवान श्री नारद जी ने भक्ति ज्ञान वैराग्य को कथा सुनाई पर उनका दुख दूर नहीं हुआ। तब नारद जी को सनकादियों ने कहा कि आप भागवत जी सुनो, जब आप भागवत जी सुनेंगे तो अच्छा रहेगा। भागवत जी सुनी, भक्ति महारानी ने महिमा सुनी, सदा सेव्या श्रीमद भागवती कथा, भक्ति महारानी चाचा थैया करके नाचने लगी। महाराज हम कहां बैठे, बोले भक्तों के हृदय में जाकर। लो भैया, नारद जी ने सवाल किया, गुरुदेव क्या कोई पापी व्यक्ति कथा से तरेगा? बोले हाँ, तुंगभद्रा नदी के किनारे एक पंडित जी थे आत्मदेव, उनके कोई संतान नहीं हुई। एक संत जी ने फल दिया, पत्नी को खिलाया, गाय को वो खिला दिया फल, बहन के बेटे को खरीद लिया, नाम रखा धुंधकारी, धुंधकारी को जरूरत से ज्यादा लाड़ प्यार किया, संस्कार देना भूल गए, वो इतना उद्दंड हुआ कि वो बूढ़े बाप को मारने लगा, माँ को मारने लगा। आज बच्चे कुछ ऐसे उद्दंड होते हैं कि अपने माँ बाप पर हाथ उठाते हैं, माँ बाप की सेवा नहीं करते। इसलिए ये दास अनिरुद्ध गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माओं की सेवा करता है, और मुझे तो लगता है कि इनकी सेवा ही भगवान की सेवा है। मुझे अलग से भगवान के लिए समय निकालने की जरूरत नहीं है, मैं तो माँ के चरण दबाता हूँ, हमारी वृद्ध माओं के तो हमें लगता है हम भगवान के पांव दबा रहे हैं। ये माँ की सेवा ही भगवान की सेवा है। आप कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि माँ की सेवा भगवान की सेवा के बराबर है? देखो आजकल बच्चे सेवा नहीं करते, अपने सेवा नहीं करते, जब अपने सेवा नहीं करेंगे तो माँ कहाँ जाएगी? अपने ठुकरा देते हैं, दुत्कार देते हैं। ऐसी वृद्ध माओं के लिए ना ये गौरी गोपाल आश्रम के दरवाजे खुले रहते हैं, और ऐसी माँ आती हैं और इन माओं की सेवा यहाँ पर होती है। आज मैया आई, बैठो, आज ये मैया यहाँ आई, आज ही आई हैं यहाँ, क्यों आई हैं, क्या दिक्कत थी घर में,
क्या परेशानी थी स्वयं मैया ही बताएंगी। एक माँ बच्चों को पाल पोस कर बड़ा कर देती है, उंगली पकड़कर चलना सिखा देती है, खिलाती पिलाती, बर्तन भी मांजना पड़े तो बर्तन मांजती, मजदूरी करती, काम करती, पर अपने बच्चों का पूरा ध्यान रखती है। जब एक माँ अपने बच्चों का पूरा ध्यान रखती है तो बच्चों को भी अपनी माँ का पूरा ध्यान रखना चाहिए। लेकिन ये तो गलत है ना कि जब ध्यान रखने का समय आया तो आपने अपनी माँ को घर से बाहर निकाल दिया। कहाँ से आई हो मेरी माँ? लखनऊ से। लखनऊ जी। तो घर में कौन कौन है आपके? मेरे घर में पति तो की डेथ हो गई है, बेटा था वो भी कोरोना में खत्म हो गया, अब दो बेटी हैं, बहू है, वो कोई सम्मान नहीं रखती, अपने घर से निकाल दिया मार के। मार के किसने निकाल दिया? बेटियों ने भी, बहू ने भी निकाल दिया घर से। आपकी बेटियों ने भी निकाल दिया? हम नहीं रखेंगे। नहीं रखेंगे? मैं 3-4 महीने से किराए पर रह रही हूँ वहाँ। और बेटे ने भी बहू भी निकाल दिए? बहू भी नहीं रखती है, मैंने मेरा नंबर ही नहीं किसी के पास, तो मुझे किराए पर रह रही 2-3 महीने से मैं, अब मेरी सामर्थ्य नहीं है किराए पर रहने के लिए, अब मैं अकेली, अब मैं आपकी शरण में रहना चाहती हूँ। तो बेटियाँ तो बहुत सेवा करती हैं माँ की, सुना है? इन्हें किसी ने नहीं रखा, सबने निकाल दिया। बेटियों ने भी? तो आपको मारा किसने था? नहीं, बहू ने भी घर से निकाल दिया धक्का देके। अच्छा, धक्का दे दिया। अब बेटियों ने भी घर से निकाल दिया, हम नहीं रखेंगे, तुम्हें जहाँ जाना है जाओ। माँ की दो बेटियां हैं, एक बेटा था जो कोरोना काल में भगवान के घर चला गया, बहू है तो बहू ने भी धक्के मार दिए और बेटियों ने भी धक्का मार दिया। कुछ बेटियां हैं जो सेवा करती हैं, कुछ बेटे हैं जो अपने माँ बाप की सेवा करते हैं। मैं आपसे हाथ जोड़ के कहता हूं, अपनी माँ की सेवा करो। ये माँ नहीं है, माँ के रूप में भगवान है। माँ को नहीं निकालते बच्चे, भगवान को निकाल देते हैं। कुछ बेटे सेवा करते हैं, कुछ बेटियां सेवा करती हैं, पर कुछ बेटियां ऐसी भी होती हैं, कुछ बहुएं सेवा करती हैं सास ससुर की, तो कुछ बहुएं ऐसी भी होती हैं जो धक्के मार कर निकाल देती हैं। अब ये मैया इतनी वृद्धावस्था है, ये कहाँ से कमाएंगी, कैसे अपना किराया चुकाएंगी? 4 महीना मैया किराए से थी, अब ये गौरी गोपाल आश्रम आई हैं। अब ये जो मैया आई है ना, तो मैया आप यहाँ आई हो यहाँ रहने के, हमने कोई पैसे तो नहीं लिया आपसे? नहीं, कुछ नहीं लिया आपने, कुछ नहीं लिया। और ये कौन है आपके? ये मैं सत्संग करती हूँ, सत्संगी मेरी, सत्संगी है मेरी बेटियाँ हैं, ये मुझे माँ की तरह मानती हैं। अच्छा, सत्संग मैं करती हूँ तो सत्संग की बेटियाँ हैं। तो आपके पड़ोस में रहती हैं? जी हाँ, वही रहती हैं सत्संग में। तो आप लोग इनको लेके आए हैं? जी। तो ये पड़ोसी हैं और ये मैया को लेकर आए हैं यहाँ रखने के लिए। हम तो आप सबसे प्रार्थना करेंगे कि अपने अपनी माँ का ख्याल रखिएगा, अपने अपनी माँ को भगवान मानिएगा, और आपके पड़ोस में भी कोई माँ यदि दुखी है तो आप उसे अपनी माता मानकर अपने घर में रख लीजिएगा। पड़ोसियों का धर्म है कि आप सेवा करें। गौरी गोपाल आश्रम में 275 माताएं थी, आज हमारी मैया उसमें जुड़ गई हैं। और ये मैयाओं के रहने की कोई यहाँ पर शुल्क नहीं है, माओं से लिया नहीं जाता, आप लोग जो सहयोग करते हैं ना। अब देखिए ना, माँ का अपनों ने तो साथ छोड़ दिया, जब सबने साथ छोड़ दिया तो आप लोग हैं ना इनके बेटा बेटी बनकर साथ दीजिए, सहयोग कीजिए। गौरी गोपाल आश्रम में जो सेवाएं होती हैं ना, वो आपके सहयोग से होती हैं। बताओ, इन माओं का सहारा बनना चाहिए या नहीं? जब बेटी दुत्कार देगी, बहू दुत्कार देगी, तो कोई तो सहारा बनेगा। आप लोग बन जाइए माँ के बेटा बेटी, और इंसानियत के नाते, यदि माँ की बेटियों ने इंसानियत का परिचय नहीं दिया, बहू ने इंसानियत का परिचय नहीं दिया, तो हम और आप इंसानियत का परिचय दें। माँ, आपका बेटा यदास अनिरुद्ध है और हम सब आपके बेटा बेटी बनकर आपकी सेवा करेंगे। और आप लोगों से मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा कि आपको ईश्वर ने देने के लायक बनाया है, तो गौरी गोपाल आश्रम में ना इन माओं के लिए अब जगह नहीं है। 275 माताएं यहाँ पर हैं, पूरा आश्रम भर चुका है माताओं से। ये जो बड़ा आश्रम है ना, ये बड़ा आश्रम माओं के लिए बन रहा है, और ये तब तक नहीं बनेगा जब तक आप सहयोग नहीं करेंगे। अब देखो, ये छतें तो डल गई, अब छतों के बाद जो अंदर के काम होते हैं वो ज्यादा खर्चीले होते हैं, क्या नहीं लगता?
फिनिशिंग में पैसा लगता है कि नहीं? माओं की व्यवस्थाएं करनी है, 275 माओं के भोजन की व्यवस्था करनी है, माओं के रहने के लिए कमरे तैयार करने हैं। आपसे प्रार्थना है कि कमरों में टाइल लगाने के लिए आप सहयोगी बन सकते हैं, कि हमारी एक कमरे की टाइल आप अपनी ओर से लगवा दीजिए माओं के लिए। एक कमरे में माओं के लिए आप पंखे की व्यवस्था करा सकते हैं, एक बेड माओं के लिए, एक बिस्तर आप भेंट कर सकते हैं कि आप की ओर से माँ एक बेड में रहेंगी, एक बेड आपकी ओर से। माओं के लिए एक छोटी सी अलमारी बनेगी। छोटा काम हम ले लें, एक एक ही ले लें तो काम आसान हो जाएगा। आप एक माँ को गोद ले लें, एक माँ की सेवा कर लें, एक कमरा बनवाकर आपके कमरे की सेवा मैं करूंगा, एक कमरे की पूरी व्यवस्था मैं, या एक कमरे की छत का सहयोग मैं करूंगा, या एक कमरे में पत्थर मैं लगवाऊंगा, टाइल मैं लगवाऊंगा, उस कमरे की फिनिशिंग हम करवाएंगे, उस कमरे की पूरी फिटिंग, लाइट की फिटिंग का खर्चा हम लेंगे, वॉशरूम की फिटिंग का खर्चा हम लेंगे। आप सबके खर्चे सहयोग के बिना ये आश्रम का कार्य नहीं होगा। आप लोगों से प्रार्थना है कि जो वृद्ध माँ यहाँ रहती हैं, रोज कोई ना कोई माँ आती है, आप लोग दर्शन करते हैं, और इन माओं के लिए आपके सहयोग से ही कार्य यहाँ पर होता है। तो गौरी गोपाल आश्रम में जो ये निर्माण कार्य चल रहा है, आप भी सहयोगी बने, एक कमरा बनवाकर, या एक कमरे की छत डलवाकर, या एक माँ को गोद लेकर, या एक कमरे की छोटी सी व्यवस्था आप लीजिए। एक ईंट ही सही, आपकी ओर से एक ईंट लगनी चाहिए, एक सीमेंट की बोरी ही सही आपकी ओर से मिलनी चाहिए, एक सीमेंट की बोरी का सहयोग, एक ईंट का सहयोग आपकी ओर से आना चाहिए, क्योंकि इस इमारत में बहुत बड़ा परोपकार का कार्य होने वाला है। हम कोई बिजनेस तो करते नहीं, हम तो केवल आप लोगों से भिक्षा मांग मांग कर माओं की सेवा करते हैं। तो आपको सहयोग करना है तो कीजिएगा, आपको अच्छा लगे ये कार्य। आपको भी किसी माँ का बेसहारा का सहारा बनना है, जो किसी बेसहारा माँ का सहारा बनता है ना, भगवान उनका सहारा जरूर बनते हैं। गौरी गोपाल आश्रम में अन्य क्षेत्र भी चलता है, हजारों साधु संत आते हैं, पेट भर भोजन करते हैं। आप भी अपनी बेटी का जन्मदिन आए तो संतों को अन्न बांट करके, भोजन करा के आप भी अन्न दान कीजिएगा, एक दिन की सेवा लीजिएगा। रसोई चलती है, कोई भी आए, सबको पेट भर भोजन, आप भी एक दिन की रसोई सेवा लीजिएगा, आप भी एक दिन का सहयोग कीजिएगा। हजारों भक्त तो भोजन करते हैं, निःशुल्क सेवाएं हैं यहाँ पर, अन्नदान से बड़ा भला क्या दान होगा। आप भी एक दिन की सेवा ले सकते हैं। यहाँ गौ माता रहती है, गायों के लिए आप एक गज दो गज भूमि, गौचर भूमि दे सकते हैं गायों के लिए। यहाँ गुरुकुल है, गौरी गोपाल गुरुकुल, जहाँ 104 बच्चे पढ़ते हैं। गुरुकुल की परंपरा नष्ट हो गई है भारत में, मुगलों ने बर्बाद कर दी थी, लेकिन हम जैसे कुछ भगवान के चरणों की सेवा करने वाले, आपका आशीर्वाद, आप सभी भक्तों के आशीर्वाद से गौरी गोपाल गुरुकुल के द्वारा गुरुकुल की परंपरा को बचाए रखे हैं, कि वो परंपराएं नष्ट ना हो। बहुत नष्ट हो जाए पर बीज तो बचा रहे, बीज बचा रहेगा तो कल फिर वृक्ष तैयार हो जाएगा, तो बीज बचा रहना चाहिए। तो गौरी गोपाल गुरुकुल में 104 बच्चे पढ़ते हैं, बच्चों का पढ़ना लिखना रहना खाना पीना सब फ्री है, आपके सहयोग से सब हो जाता है। तो आप सहयोगी जिस लायक हो बनिएगा। मैया आप यहीं रहिएगा, ये दास आपका बेटा बनकर आपकी सदा सेवा करेगा। आप यहाँ कर खुश हैं मेरी माँ जी? बहुत खुश हूँ मैं। आप यहाँ कर खुश हैं? मैं बहुत खुश हूँ मैं तो आपकी कथा भी बहुत सुनती हूँ मैं। अब आप खुश ही रहिएगा, और अब ये मत कहिएगा कि आपका बेटा नहीं है, आपका बेटा ये दास अनिरुद्ध है, हम सब आपके बेटे। हरिओम हरिओम। आप भी किसी का सहारा बनो मेरी माँ, आधा घंटा एक्स्ट्रा काम करना मेरे दोस्तों, मेरी माँ मेरी बहनों, ये सोच करके आपकी एक माँ गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में रहती है, ये सोच करके आपका एक परिवार का सदस्य आश्रम में है और आपको सेवा से जुड़ना चाहिए। आइए, आप में से कुछ दानवीर महापुरुषों ने अपने नाम पहुंचाए हैं, ऐसे दानवीर महापुरुषों के नाम श्रवण करते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। समुपस्थित सभी श्रद्धालु जनों को जय श्री कृष्णा। संस्कार चैनल के माध्यम से घर बैठकर श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कर रहे आप सभी श्रद्धालु जनों को जय श्री कृष्णा। व्यासासीन परम पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में उत्साह नमन वंदन। आप सभी ने अभी ऐसा एक दृश्य देखा जिसको देखकर हम सभी का हृदय द्रवीभूत हो गया है।
ऐसी सैकड़ों वृद्ध माताएं पूज्य श्री महाराज जी के द्वारा इस आश्रम में रह रही हैं और उनकी सेवा पूज्य श्री महाराज जी के द्वारा की जा रही है और भी विभिन्न प्रकार के सेवा प्रकल्प जो चलाए जा रहे हैं उन सेवाओं को देखकर चैनल के माध्यम से जो यह भक्त यहाँ वृंदावन पधारे हुए हैं उन्होंने अपना सहयोग समर्पित किया है उन महानुभावों के नाम श्रवण करेंगे और बिहारी जी से प्रार्थना करेंगे कि आप सभी दानदाताओं के घर श्री की वृद्धि हो, बिहारी जी की कृपा आप पर बनी रहे और आप अपना सहयोग इसी प्रकार श्री धाम वृंदावन तक पहुंचाते रहें। श्री शिवाकर कुमार पटना बिहार से आप 72,000 रुपए का सहयोग समर्पित कर रहे हैं एवं वृंदा देवी राठौर चंपा छत्तीसगढ़ से आप 25,500 रुपए का सहयोग समर्पित कर रहे हैं। सुमित्रा देवी आप लोहारुका कोलकाता से 22,000 रुपए, विनीता साहिनी मुजफ्फरपुर बिहार से 21,000 रुपए, विनीता साहिनी जामनगर गुजरात वृद्ध माताओं के लिए 21,000 रुपए, स्वर्गीय श्रीमती प्रभुबाई राजाराम जाट धार मध्य प्रदेश से आप 21,000 रुपए का सहयोग समर्पित कर रहे हैं। सोहन लाल इंदौर मध्य प्रदेश से 21,000 रुपए, दुदेश रोत अरुण रोत कोलकाता से 21,000 रुपए, राजू शुक्ला 11,000 रुपए, कामनी छुक दिल्ली से 11,005 रुपए, नेहा श्रीवास्तव सीताराम जी सीतापुर से आप 10,000 रुपए, मनोज कुमार गोयल गौतम बुद्ध उत्तर प्रदेश से 7,251 रुपए, शकुंतला गोविंद दास संपत बड़ोदरा गुजरात से 11,000 रुपए, रेणु साहू रायपुर छत्तीसगढ़ से 11,000 रुपए, लाल किशोर प्रसाद उमाकांत कुमार सपरिवार नालंदा बिहार से 11,000 रुपए, मनोरंजन मित्र टिंकू मित्र असम से 11,000 रुपए, राजा रामपाल मुंबई महाराष्ट्र से 8,611 रुपए, श्री धर्मपाल जी पानीपत हरियाणा से 11,111 रुपए, राम कुमार सोनी उत्तर प्रदेश से 11,000 रुपए, अक्षाबार कुमार सिंह रोहतास से 11,011 रुपए, गोविंद जी फतेहपुर उत्तर प्रदेश से आप 5,100 रुपए, शोभा जी रानी जमशेदपुर से 4,000 रुपए, रतन देवी स्वर की रमेश चंद्र जोशी जी 5,001 रुपए, भीलवाड़ा राजस्थान से सहयोग समर्पित कर रहे हैं, शिखा विमला देवी जी पंजाब से 5,100 रुपए, श्रीमती रत्ना देवी स्वर की रमेश चंद्र भीलवाड़ा राजस्थान से 5,001 रुपए, राम तिलक ब्रजलाल प्रजापति थाने महाराष्ट्र से 5,100 रुपए, योगवती हिमाचल प्रदेश से रसोई सेवा के लिए आप 5,100 रुपए, पुष्पा जी जम्मू से 3,000, रमेश गुप्ता जी विमला देवी जम्मू कश्मीर से विशेष सहयोग, शीला गुप्ता जयपुर राजस्थान से 2,000 रुपए, शाहजहांपुर से 3,100 रुपए, अनुकल्प कुमार जी लुधियाना पंजाब से विशेष सहयोग, अनिता कुमारी बिहार से कल्पना जुनेजा जमशेदपुर झारखंड से, स्वर्गीय श्री मोहन दास बलानी निर्मला देवी जोधपुर राजस्थान से, रागनी पासवान शत्रुघ्न मुजफ्फरपुर से आप सभी सहयोग गुप्तदान के रूप में अपना सहयोग समर्पित कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। श्यामा कुमारी सतपाल सिंह हिमाचल प्रदेश से 2,001 रुपए, दिनेश कुमार रायबरेली से विशेष सहयोग, रेखा अरविंद सोलंकी मुंबई से 2 विशेष सहयोग, तेजस रामदास महाराष्ट्र से 2,001 रुपए, श्री दौलत सिंह धूमकेती मंडला मध्य प्रदेश से 2,001 रुपए, मीना कुमारी जी विशेष सहयोग, राव प्रताप नारायण लाल मुजफ्फरपुर बिहार से विशेष सहयोग समर्पित करेंगे, राजू जी बेंगलुरु कर्नाटक से आप 2,100 रुपए, दिव्यू बरेक असम से विशेष सहयोग, रेणु जी देहरादून उत्तराखंड से विशेष सहयोग, लालमुनि चौरसिया वाराणसी उत्तर प्रदेश से विशेष सहयोग, सौरभ योगेश्वरी जी 2,000 रुपए, रमेश आधार चंद्र गुप्ता मुंबई महाराष्ट्र से 3,100 रुपए, पंकज अग्रवाल मेरठ उत्तर प्रदेश से 3,000 रुपए, महकर जी सिंह जी लता कश्यप मोगा पंजाब से विशेष सहयोग, दीपक कुमार इटावा मध्य प्रदेश से विशेष सहयोग, पिंकी जन्मदिवस पर बेंगलुरु से 2,100 रुपए, मीनाक्षी जी जम्मू से विशेष सहयोग, जोगेंद्र पाल बिलासपुर हिमाचल प्रदेश से, अमन दुबे सूरत गुजरात से एवं दुर्गावती नायक उड़ीसा से, ब्रजभूषण साहू राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से, भूतंगी चौहान सरगोजा छत्तीसगढ़ से विशेष सहयोग समर्पित करेंगे, पार्वती देवी लोगोलोकवासी महावीर मौर्य फतेहपुर उत्तर प्रदेश से 2,001 रुपए का सहयोग समर्पित कर रही है, सुरेंद्र कुमार पाल इलाहाबाद से विशेष सहयोग, सविता थापली देहरादून उत्तराखंड से 2,001 रुपए, संदीप वशिष्ठ दिल्ली से विशेष सहयोग, प्रभा देवी दिल्ली से विशेष सहयोग समर्पित कर रही है, रामपति देवी नालंदा बिहार से विशेष सहयोग, राजा अग्रवाल पठानकोट से विशेष सहयोग, अरुणा सूद द्वारिकानाथ हिमाचल प्रदेश से विशेष सहयोग, प्रभा देवी दिल्ली से विशेष सहयोग, रोशन भट्ट जी आप विशेष सहयोग समर्पित कर रहे हैं, तारा मिश्रा हेमचंद मिश्रा लखनऊ उत्तर प्रदेश से 3,300 रुपए का सहयोग समर्पित कर रहे हैं, विनोद कुमार उत्तर प्रदेश से विशेष सहयोग, विपिन कुमार दास जमशेदपुर झारखंड से विशेष सहयोग, रामकिशन उद्धव आप चावले चंद्रपुर महाराष्ट्र से विशेष सहयोग, राजू अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से विशेष सहयोग, ललिता देवी शर्मा रामकिशोर शर्मा जी जयपुर राजस्थान से विशेष सहयोग समर्पित कर रहे हैं, दिव्यांशु सोनी के जन्मदिवस पर आप विशेष सहयोग, रूपेश शाह प्रियंका शाह विशेष सहयोग समर्पित कर रहे हैं, संदीप कुमार जायसवाल उत्तर प्रदेश से 2,000 रुपए, भुवनेश्वर निषाद छत्तीसगढ़ से विशेष सहयोग, दूरसंघ भोजपुर से द्विवेदी परिवार कानपुर उत्तर प्रदेश से विशेष सहयोग समर्पित करें, विकास कुमार पटना बिहार से शीला जी उत्तर प्रदेश से विशेष सहयोग समर्पित करें, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। इसी श्रृंखला में नीलेश कुमार राय मधुबनी बिहार से 31,000 रुपए का सहयोग समर्पित करें, जयकिशन हमीरपुर हिमाचल प्रदेश से 25,000 रुपए, स्वर्गीय श्रीमती प्रभुबाई राजाराम जाट जी धार मध्य प्रदेश से आप 21,000 रुपए का सहयोग समर्पित करें, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। इसी श्रृंखला में
श्री पुष्पा अशोक कुमार जी, आप भी गोरखपुर उत्तर प्रदेश से 21,000 रुपए का सहयोग समर्पित करें, बहुत बहुत धन्यवाद। विजय कुमार गुप्ता उत्तर प्रदेश से 11,000, सौरभ करकवाल जी रोहिणी दिल्ली से 11,101 रुपए, गिरीश संगीता गिरीश चंद्र जायसवाल मऊ उत्तर प्रदेश से आप भी 11,001 रुपए का सहयोग समर्पित कर रहे हैं। शिव आश्रय यादव आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से 11,000 रुपए, संध्या भार्गव झांसी उत्तर प्रदेश से 11,000 रुपए, गिनी देवी अग्रवाल बलंगीर उड़ीसा से 11,000 रुपए, सुनी सिंह शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश से 6,000 रुपए, रजनीश कुमार गोयल जी शामली उत्तर प्रदेश से 5,000, सत्या देवी कठुआ जम्मू कश्मीर से 5,000, जितेंद्र सिंह यादव जी 5,100 रुपए, अभिषेक कुमार शिव सागर से आप 7,000 रुपए, आंचल सिंह सत्या देवी कठुआ जम्मू से 5,000 रुपए, शैलेश यादव गाजियाबाद से गौ सेवा के लिए आप भी 5,100 रुपए का सहयोग समर्पित कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। इसी श्रृंखला में संतोष कुमार गुप्ता बरेली से विशेष सहयोग, रंगोल रंगील सिंह जी कश्मीर से आप 5,100 रुपए, श्री हरबंस लाल दत्ता जी करनाल से 11,000 रुपए, आकाशदीप मंगत जी दिल्ली से विशेष सहयोग, बसंती बाई कटरिस्कार परतवाड़ा महाराष्ट्र से विशेष सहयोग समर्पित करें, गुप्तदान दिल्ली से 11,000 रुपए, राधा देवी बिहार से विशेष सहयोग समर्पित करें, बेनुपाल पूर्णिया बिहार से 3100 रुपए, दीपक कुमार संगम बिहार दिल्ली से 11,000 रुपए, सतीश चंद्र अग्रवाल जी इटारसी मध्य प्रदेश से 3,000 रुपए, दिव्या गुप्ता सपरिवार कोलकाता से विशेष सहयोग, कैला देवी हाथरस से विशेष सहयोग, आदित्य जी जन्मदिवस पर रुकमणी बिहार वृंदावन से आप 11,000 रुपए का सहयोग समर्पित करें, भगवान ब्रज चौधरी ग्वालियर मध्य प्रदेश से 5,050 रुपए, सुनील कुमार जी खुर्जा उत्तर प्रदेश से 21 रुपए, अमरीश वाइफ ऑफ रमेश दतिया मध्य प्रदेश से 10,000 रुपए, उर्मिला देवी मधुबनी बिहार से विशेष सहयोग, इंद्रावती देवी मधुबनी बिहार से विशेष सहयोग, हरेश जी मनजीत वासुदेव उत्तम नगर दिल्ली से आप 5,100 रुपए का सहयोग समर्पित कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। इसी श्रृंखला में पवन गर्ग जी वाइफ ऑफ रीना गर्ग बल्लभगढ़ फरीदाबाद से आप 11,000 रुपए का सहयोग समर्पित करें, गुप्तदान भटिंडा से पंजाब से 11,000 रुपए, कुंज जी सोमा धीरज नोएडा से 11,000 रुपए, राजसानी रानी सेठा गाजियाबाद से 2,000 रुपए, स्वर्गीय राम प्यारी छावड़ा पानीपत हरियाणा से विशेष सहयोग, एन के शर्मा दिल्ली से विशेष सहयोग, नीरज नीताजी फरीदाबाद हरियाणा से आप 11,000 रुपए, कमला देवी अग्रवाल इटारसी मध्य प्रदेश से 11,000 रुपए, रामदेव बिहार से विशेष सहयोग, रमेश साहू जी जालंधर पंजाब से 2,500 रुपए, स्वर्गीय भरत लाल जी निषाद बलौदी बाजार छत्तीसगढ़ से 5,001 रुपए, तेजराम अंजनी छत्तीसगढ़ से विशेष सहयोग, उपदान दिल्ली से 11,000 रुपए, भाविक यादव जी 11,100 रुपए एवं विशेष सहयोग भी आप समर्पित कर रहे हैं, काव्यांश साहू दुर्ग छत्तीसगढ़ से विशेष सहयोग, उपदान कोलकाता से 51,000 रुपए, सुशीला कौर मोगा पंजाब से 11,500 रुपए का सहयोग समर्पित कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। इसी श्रृंखला में मनोज कुमार करनाल हरियाणा से 3,100 रुपए, अयोध्या पासवान जी बिहार से आप विशेष सहयोग, संतोष पिपलानी अंबाला से 11,000 रुपए, कमलाबाई अग्रवाल हैदराबाद से 1,00,000 रुपए का सहयोग समर्पित कर रहे हैं, किरण जी प्रयागराज से 2,100 रुपए, शोभन सक्सेना रामपुर से 5,100 रुपए, महानंद झा जी दिल्ली से 5,100 रुपए, खुशी बालाजी सुनील कुमार जी दिल्ली से 11,000 रुपए, अनुराग जी दिल्ली से 2,100 रुपए, शारदा देवी मथुरा से विशेष सहयोग, आशा अग्रवाल जी प्रयागराज से विशेष सहयोग, ऊषा यादव बिलासपुर से 11,000 रुपए, सुकुमार दास जी जयपुर से विशेष सहयोग, चरण सिंह जी गाजियाबाद से विशेष सहयोग, बालाजी शामगढ़ मध्य प्रदेश से आप विशेष सहयोग समर्पित कर रहे हैं, महिमा जी दिल्ली से विशेष सहयोग एवं लीला जी गुजरात से 2,000 रुपए का सहयोग समर्पित कर रही हैं, राम ईश्वर सिंह जी जनकपुर नेपाल से आप 21,000 रुपए का सहयोग समर्पित कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आप सभी दानदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आप इसी प्रकार जुड़े रहें श्रीधाम वृंदावन से, गौरी गोपाल के इन सेवा प्रकल्पों से जुड़कर आप भी अपने धन को धर्म से लगा सकते हैं। ऐसी सुंदर सी सेवाएं एकमात्र स्थान गौरी गोपाल, जहां एक ही छत के नीचे इतनी सारी सेवाएं एक साथ की जा रही हैं, वृद्ध माताओं की सेवा, अन्य क्षेत्र की सेवा, गौरी गोपाल रसोई की सेवा, गौरी गोपाल गुरुकुल, गौरी गोपाल संत निवास, गौरी गोपाल गौशाला इत्यादि की यहाँ पर सेवाएं की जा रही हैं। आप भी किसी भी सहयोग में अपना सहयोग, किसी भी सेवा में अपना सहयोग समर्पित कर सकते हैं। संस्था के अकाउंट नंबर टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, आप अपना सहयोग समर्पित करते हुए मोबाइल नंबरों में संपर्क कर आप अपना नाम दर्ज अवश्य कराएं। ईश्वर ने जिस भी प्रकार से आपको सामर्थ्यवान बनाया है उस प्रकार की सेवा आप ले सकते हैं। संस्था में 80G के अंतर्गत आपको आयकर छूट भी प्राप्त हो सकती है, आप उसका भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आप आइए इसी क्रम के साथ चलते हैं पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। धुंधकारी प्रेत बना, अपने माँ बाप को मारा, पिताजी ने तो अपना कल्याण कर लिया, प्रेत बना तब गौकर्ण जी ने भागवत सुनाया और धुंधकारी प्रेत योनि से मुक्त हुआ। सनकादियों के मध्य भगवान प्रकट हुए, नारद जी सनकादियों से कथा सुन रहे थे, वहाँ भगवान प्रकट हुए, भगवत चिंतन भगवत कीर्तन करते हुए भगवत धाम को गए। श्रोता वक्ता का निरूपण है, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थे स्वभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरया तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्त कोहकम सत्यम परम धीमहि। जो भगवान सत्य स्वरूप उनको प्रणाम, उनके चरणों में समर्पण,
कुंती बुआ ने दुख मांगा भीष्म पितामह की परम गति भगवान ने अपने आप को दिया कुंती बुआ को। राजा परीक्षित को राजा बनाया गया, 7 दिन में मरने का श्राप लगा, जैसे 7 दिन में मरना हो उसे क्या करना चाहिए, ऐसा प्रश्न राजा परीक्षित ने सुखदेव भगवान से पूछा। शुकताल में दोनों बैठे हैं, भगवत चिंतन में खोए हैं, आगे की चर्चा कल करेंगे। सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को भागवत जी सुना रहे हैं, आगे की चर्चा कल करेंगे। आप लोग अपना मोबाइल पर्स सोना चांदी कृपया संभाल के रखिएगा, चोर बहुत एक्टिव रहते हैं। आगे की चर्चा कल ठीक 1 बजे से आप लोग अपने मोबाइल पर भी यूट्यूब पर देख सकते हैं कथा, टीवी पर संस्कार चैनल पर रोज की तरह कल भी देखिएगा। आइए आरती श्रीमन नारायण चरणौ शरण प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। हरि ओम। मां चंद्रमा मनसोर्जादशक्षोः सूर्योजाय सूत्राद्वाय सुप्राणशमुखाद् अग्निरजाय मन में बसा कर बसा कर तेरी मूर्ति मूर्ति उतारूं मैं गिरधर मैं गिरधर तेरी आरती आरती उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती की दवा तुम्हारे पास है। हाँ, जिंदगी दया की भीख मांगती मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती अब तो प्राण जा
जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग सोते हुए जीवन से अब तो प्राण जा कर तेरी मूर्ति ओ तहारों में गिर घर तेरी आरती वेद तेरी महिमा गाए संत करें ध्यान नारद गुण गान करें छेड़ वीणा तान वेद तेरी महिमा गाए संत करें गुणगान करे छेड़ वीणा भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार दास अनिरुद्ध तेरी गाए आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति और तारों में गिरधर तेरी आरती कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिर घर तेरी आरती हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे नट नट बंसी वाले गोकुल में राजा मेरी अखियां तरस रही अब तो राजा नट नट बंसी वाले गोकुल में राजा मेरी अखियां तरस रही अब तो राजा आज नंद लाल तरस रहे नहीं तरस रही नहीं ना बरस 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 रही नहीं ना अजब गोपाल तरस रही नहीं ना अजब गोपाल कृष्णा राधे कृष्णा पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् सेवन्तिकां मकुलजं पुकपाटलाब्जैः पुण्णाकजाचकरवीर रसालपुष्पैः बिल्व प्रबाल तुलसीतल मंजरी भी त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च उपसपाञ्जलिर्मया दत्तौ गृहाण परमेश्वरा पुराण पुरुषोत्तमाय नमः मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की भागवत महापुराण की व्यास नारायण भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। जिनको मिलना है सामने गौरी गोपाल मंदिर में चलिए वहीं मिलेंगे।
या फिर आप यहाँ भी आ सकते हैं, पर बातचीत करनी है वहां मिलेंगे तो आप बात कर लेना। फोटो वगैरह आपको लेना है तो सामने बैठेंगे वहीं ले लेना, यहाँ पर आके दर्शन करके आप पढ़ते चलिए आगे। जिनको मिलना है आइए अंदर चलते हैं। सुनने वालों कथा को देता यही कल फिर हम सुनवाएंगे लेकर कृष्ण का नाम। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा। शरण पड़े की लाज है तुम्हारा को जगदीश, कोनो भुजा पसार के करो चरण